it easy to win an argument from him? I don't think he argues with me that much. I think we always agree to disagree. इजहार पहले किया। I think मेरी मोहब्बत की शिद्दत शुरू में तो मेरी ज़्यादा थी। हाँ, I think she was more expressive. I was more caring. The one thing people do enjoy when I'm singing is my facial expressions because उनको लग रहा होता है इसको लग रहा है मोहम्मद रफी है। I think he is very पता नहीं क्या कहने वाली मैं लाइक बट ये एक प्रेशर तो है सोशल मीडिया पे आप लोगों को फील होता है मुझे रैंडमली लोग कोर्ट में पूछ लेते हैं अरे सुना है कि अल्लाह खैर करे मामला खत्म हो गया जस्ट बिकॉज आप लोग पिक्चर्स नहीं लगाते अपडेट्स नहीं आते नहीं लगाते अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे शौहर के चाहते नहीं है आपने कोई रिकॉर्ड या कोई चेक बुक टिक करनी है या सामने वाले को बताना है कि वो मेरे बारे में ये ना कह सके कि ओहो इसकी तो दूसरी शादी है या आपने ये देखना है कि आप जिस इंसान से शादी कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत और आप उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं ये फैसला करके बैठे हैं तो मैंने तो इनके साथ आने वाला कल गुजारना है ना तो मैं इनके गुजरे हुए कल पे क्यों ड्वेल करूंगा हो सकता है जो दूसरे लोग ऐसे सोच के मालिक हूँ उनको जब कैसा कोई अच्छा इंसान मिले अपनी जिंदगी में तो उनके लिए भी आसान ओहो लाजमी छक्का लगा के गई गाड़ी में घर पे होनी चाहिए Guys, assalamu alaikum. This is Ravia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं इनका इंटरव्यू मैं आई थिंक द डे दे गॉट मैरिड या हमें पता चला था कि एंगेजमेंट हो गई है तब से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूँ और वो ख्वाहिश क्यों थी इसलिए क्योंकि मंशा पाशा उनको मैं ऑलरेडी जानती थी उनकी फ़ैन थी हूँ एंड देन जिब्रान नासिर उनको भी मैं फॉलो करती थी तो मुझे मैं बड़ी इंक्विजिटिव थी कि अच्छा ये रिलेशनशिप कैसे हुई और क्या डायनामिक्स हैं और टू जस्ट हेयर देयर लव स्टोरी बिकॉज आई थिंक जब ऐसी मैरिजेस का पता चलता है जब ऐसे कपल्स का पता चलता है तो आपको कुछ ख्वाब देते हैं वो कुछ आपको ड्रीम्स देते हैं दैट वी ऑल आर लुकिंग फॉर इन आर लाइव्स आई थिंक सो आज हमारे साथ वो दोनों हैं हम उनकी जर्नी के बारे में पता करेंगे कुछ रिलेशनशिप लव कमिटमेंट लाइफ उसके बारे में कॉन्वर्सेशन होंगी जो एक बात मैं कहना चाहती हूँ इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले इज दैट कि हम बहुत से टॉक्सिक बातें नेगेटिविटी देखते हैं बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट एंड लेट्स सेलिब्रेट द पॉजिटिव थिंग्स एंड द प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स दैट आर ग्रोइंग अराउंड अस तो आज ये एक ऐसी ही एफर्ट है मेरे और फ्यूचर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग लंबा हो गया और मैं इतने वो फनी मूड से एकदम से सीरियस में आ गई मैंने कहा यार मैं बोल रही थी मैंने कहा इतना इससे पहले हम लोग बहुत बातें कर रहे थे बहुत हंसी मजाक चल रहा था मैंने कहा इन लोगों की वाइब अभी बहुत मजे की हमने जिब्रान की एक साइड देखी जो बहुत ही मजाया थी और मजा आ रहा था बड़ा जबरदस्त मजे का ह्यूमर था इनका यू नो दैट जिसमें अंडरलाइन भी बहुत सी चीजें चल रही होती है I like to think so. वो उससे accept कर रहे हैं. हाँ हाँ. Very gracious. So tell me how are you guys doing election के बाद क्या मसरूफियात हैं थोड़ा क्या चल रहा है आपस में? You're shooting something. I'm shooting something and he is also working. तो literally ऐसा ही है कि बस अभी जो है क्या है बस घर आए और थोड़ी सी देर मिले and then we go to sleep and then he has court in the morning. I have shoot in the morning. So थोड़ा सा अभी it's hectic time. But that's also okay. So is it easy to win an argument from him? I don't think he argues with me that much. I think we always agree to disagree on most things. But ऐसे भी but ऐसे कोई चीजें when an argument does happen, we agree to disagree. हाँ. But I don't think कि हमारी उतनी वो जो होती है ना कि किए जा रहे घंटों तक. Usually it's like it's just maybe कि suddenly एक argument हो गई and either he'll be like हैं ये क्या हो गया इनको or it'll just be like कि थोड़ी सी किसी बात पे तू मैं हो गई और फिर 10 मिनट के बाद नॉर्मल लाइक नॉट बिकॉज हम दोनों बहुत ओपिनियनेटेड हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन हम एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रहे होंगे तो उस वक्त शायद मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा या रिविजिट नहीं करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और ये भी वो नहीं करेंगी बट आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स और बाय द मॉर्निंग यू स्टार्ट एक्टिंग इन अ वे कि वी हैव रियलाइज कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद सही नहीं था तो जरूरी नहीं होता कहना कि आई एम सॉरी या मेरे लिए तो होता है अच्छा यू वांट हिम टू से सुनना कहना नहीं सुनना और मैं बड़े आराम से पहल करके इनिशिएटिव लेके आई हैव नो इश्यूज अबाउट पॉलिटिक्स रिपीटेडली सो हिज टाइम हैज आल्सो आई थिंक शॉर्टेंड बिकॉज अभी जो हमारी पिछली आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें तो आप 10-15 मिनट के बाद आके आपने कहा कि अच्छा मेरी बातों को सीरियसली नहीं लो और ये नहीं करो हाँ तो वो जो पहले होता था कि 3-4 घंटे इनका भी स्टू हो रहा है गुस्सा मैं भी सोच रही हूँ कि अब जब तक आएंगे नहीं तब तक जो है इट्स टू बैड
तो अब वो शॉर्टन हो गया है। रियलाइजेशन में जब जैसी हो जाती है यार कि ये तो मैंने जो बहुत ही कोई बेवकूफ़ी की अजीब सी बात की हमाकत वाली, तो आई जस्ट सिंपली गो एंड से यार प्लीज डोंट टेक दिस सीरियसली, मे बी आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लें, हाँ मैं वेंट कर रहा हूँ तो बस हाँ मैं हाँ मिला ले, ये वाला होता है। हाँ okay. वो समझा रहे होते हैं because I think when you're married and you're sharing so much space all the time, तो कभी भी कोई spontaneous burst हो सकता है of emotion and sentiment, and I think at those times आप सभी चाहते हैं कि सामने वाला बोले हाँ बिल्कुल okay है, बिल्कुल सही जा रहे हो, but it also depends at the level that you calm down level of the burst, ठीक है? ये नहीं है कि कोई बहुत ही burst करे, like I wouldn't recommend that even to anybody, कि somebody is just really, and depends on the level and the way that you show your anger, ठीक है? कभी कभार के लिए ठीक है, but overall I think that it's also important that you know you don't, because it's you don't want to encourage somebody to get angry. हमारा ये भी है कि हम एक दूसरे के ऊपर मेरे ख्याल में कम गुस्सा होते हैं, हम अपने मामलात को लेके गुस्सा होते हैं, मगर जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला हमारे गुस्से को फौरन से कहे रीजनेबल गुस्सा हो रहे हो, बट हम दोनों चूंकि इतने वो वेनिनेटर हैं, बोलेंगे यार खामखा गुस्सा हो रहा है, जिससे और गुस्सा आता है। तो ये मुझे बोल रही होंगी खामखा इतना वो करे, एंड आई एम लाइक नहीं दिस इज मेस्ड अप, तो यू नो वो वाली चीज है। बिकॉज़ यू गाइस आर बोथ आई थिंक बहुत पैशनेट हैं आप दोनों अपनी अपनी जो भी चीज पे बात कर रहे होंगे, ये मुझे समझ आ रही है, राइट? आई डोंट थिंक आई एम एज पैशनेट एज यू आर। आई एम, पता नहीं, आई थिंक हां आई थिंक बोथ ऑफ अस आर वेरी, क्या है, व्हाट्स द राइट वर्ड, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है। आई थिंक वी आल्सो कमिटेड टू व्हाट वी डू, वी टेक वेरी सीरियसली व्हाट वी डू एंड व्हाट वी कमिट आवरसेल्व्स टू, बेसिक, एंड वी बोथ आर आल्सो कैरिंग अ सर्टेन वेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द पब्लिक लाइट, सो देयर इज एन एडिशनल प्रेशर, वी आर नॉट डूइंग प्राइवेट जॉब्स और डेस्क जॉब्स इन दैट सेंस, तो हम वैसे ही थोड़ा भरे हुए होते हैं, फिर साथ में चीज़ों को संजीदगी से भी लेते हैं, और अपने अपने हवाले से थोड़े बहुत परफेक्शनिस्ट भी हैं कि अपने काम में एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिमांड करते हैं, देखना चाहते हैं, और कभी कभी चीज़ें इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि हमारी खुद की गलती हो, बट हम तब भी सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हैं, वी जस्ट वांट द पर्सन टू गो लाइक। अच्छा मुझे पता है मुलाकात कहाँ हुई थी, वाज इट लव एट फर्स्ट साइट या फिर दोस्ती से मोहब्बत का सफ़र हुआ, और सच्चा सच्चा जवाब चाहिए। मेरे ख्याल में सफ़र तो दोस्ती से मोहब्बत का था, वो एक और बात है कि मेंशन कर रहे थे। हाँ, मैंने दरअसल इनको एक इवेंट के ऊपर देखा था, अच्छा, एंड उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है, बस मैंने इनको देखा और मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि यार काफ़ी गुड लुकिंग खातून है, काफ़ी क्यूट खातून है, और फिर इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद इन्होंने मुझे किसी और हवाले से मेरे किसी काम पर नुक्ताचीनी करने के लिए, उसमें क्रिटिक करने के लिए, और मुझे एक मतलब कि अगर आपको पहला ही किसी का पैगाम आया और वो क्रिटिक हो तो आप कहते चलो ठीक ठीक है, मैसेज भेजा जिसमें आप पे कुछ मुझ पे तनकीद की हुई थी, फीडबैक थी, उन्होंने भेज दिया, मतलब कि डायरेक्ट तनकीदी मैसेज ऐसे, बिकॉज मैं अपने पेज पे पोस्ट करता अगर रहता हूँ तो इनकी भी न्यूज़ फीड पे आया होगा, हो सकता है फॉलो कर रही हूँ पेज, किसी ने शेयर किया हो, तो वो 14 अगस्त के हवाले से कोई चीज़ थी। अब टेक्निकली 14 अगस्त तो हर एक का है, हर पाकिस्तान का उस पर नजरिया है, तो इनका भी अपना होगा कि कैसे बनानी चाहिए कैसे नहीं बनानी चाहिए, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई मुझे पैगाम लिख दिया, मैंने कहा यार ये अच्छा है ना, सलाम ना दुआ, हमने इनसे लेक्चर ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ये वही वाली बात है, बिल्कुल मुझे सुखद आइडिया, थंबनेल में मुझे आइडिया नहीं हुआ। फिर 3-4 महीने बाद कोई दोबारा किसी चीज़ पर कोई फीडबैक आया, तो उस वक्त जब कुछ ऐसा हुआ, दोबारा फीडबैक आया तो बात गुजरी, तो उस वक्त जब सलाम दुआ बात हुई तो उन्होंने जिक्र किया कि आप शायद वहाँ पे एक इवेंट पे थे, मैंने आपको देखा था, तो फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा एक सेकंड, उस इवेंट के ऊपर तो मैंने किसी को देखा था, तो फिर मैंने कहा अच्छा से वही हैं, तो खैर, बट मोस्टली फॉर मोस्ट पार्ट हमारी फिर हाँ वी अगेन देन फिजल्ड आउट एंड देन वी मेट थ्रू फ्रेंड्स, सो इट वाज लाइक अ आप किसी को देखें एक फासले से और फिर किसी ना किसी बहाने वो इंसान खुद आपसे राबता कर ले, और वो राबता भी इनकी तरफ से जो हुआ था वो कोई रोमांटिक नेचर का नहीं था, बट ये ना कि आपको कोई बीच में ढूंढना नहीं पड़ा जरिया और डायरेक्ट राबता हो गया, अल्लाह लेकर आ रहा था आप लोगों को बार बार, अब चूंकि हम एक रिश्ते के अंदर बंधे हुए 3 साल से, तो हम तो यही तसव्वुर करना चाहते हैं कि अल्लाह मियां नहीं मिलाया है, इसमें कोई खैर थी हमारी, तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपसे। सीन्स आई दैट कि उन्होंने खुद किया फिर दोबारा भी फिर हुआ, बट उसके बाद फिर फॉर सम अ लॉट ऑफ टाइम हमारा बीच में कोई राबता या गुफ्तगू नहीं थी, तो इट वाज इन स्टेजेस के, और वो होता है ना कि आप जिंदगी में जब बैक टू बैक हर कुछ अरसे बाद आपकी जिंदगी में कोई बंदा आता है, गुफ्तगू होती है एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, फिर वो दोस्ती बन जाती है, तो एंड देन आई थिंक विद टाइम वी जस्ट स्टार्टेड म्यूचुअली लाइकिंग ईच अदर।
started enjoying each other's company. Yeah, actually sachi hi hai. Kisne pehle initiative liya batane ka ki yes, I am interested in that way. Not, ab main friendship ke level ko, line ko cross kar chuka hun. I think we had mutually decided ki jo hai, agar nahi bhi baat bani hamari, to hum dost rahenge. But I think it wasn't this ki, was it? I think maybe Dekhi, ye to idea ho jata hai na, agar aap kisi se ek ghanta phone pe baat kar rahe hain, to samne wala bhi aap se phone pe ek ghanta baat kar raha hai na. To usi se haan. Usi se aapko andaza ho jata hai ki samne wala kyun ek ghanta baat kar raha hai mujhse. और वो ऑफ कोर्स बातों की नौयत भी होती है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि बट फिर भी बोला पर मुझे लगता है आई वाज इजहार पहले किया आई थिंक मेरी मोहब्बत की शिद्दत शुरू में तो मेरी ज्यादा थी मैं ये मान लूंगी आई एंड वुड यू एग्री विद दैट हां हां आई थिंक शी वाज मोर एक्सप्रेसिव आई वाज मोर केयरिंग एंड मोर एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स हिम ही वाज आई थिंक मच मोर कॉशियस ओके कॉशियस विद हिज अफेक्शंस ओके तो आई वुड से बट आई थिंक अब थोड़ा रिवर्स हो गया ओके अब आई वुड से कि शादी से के बाद ही इज मच मोर केयरिंग एंड मे बी शायद मैं उसके हवाले से शायद आई डोंट नो कम हो गई हूँ या वैसा ही है नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं इन द प्रेजेंट टुडे आज की तारीख में जब तक आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रही हैं आई एम हैप्पी तो आई थिंक अब ही इज मच मोर एक्सप्रेसिव प्रपोज कैसे किया था प्रपोज कैसे किया था यार ये लिटरली इन्होंने जो बात की ना कि हमने डिसाइड किया था कि देखें दोस्ती है ठीक है एंड नाउ वी लाइक ईच अदर एंड वी आर इन अ रिलेशनशिप और अगर खुदा ना खास्ता की बात नहीं बनी तो हम एक दूसरे के खिलाफ से होल्ड नहीं करेंगे और वो हालात ही होंगे और एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद आपकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई आप ऐसे ऑफिशियल कर रहे कि नहीं कर रहे इनसे इनकी वालदा इसरार करती थी मुझसे मेरी वालदा पूछती थी कि क्या मामला है और फिर आई इवेंचुअली थॉट टू माई सेल्फ कि आई डोंट सी अ रीज़न नॉट टू कमिट इफ़ आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड एवरी थिंग इज़ परफेक्ट सो फॉर दैट पर्पज का कहते हैं हम चूँकि एक माशरे में रहते हैं और माशरे की तवक्कोआत हैं तो हमने कहा कि हम जब वैसे ही साथ हैं और साथ रहना चाहते हैं तो माइट एज वेल फॉर्मलाइज इट आई डोंट थिंक के इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एंगेज और इन टर्म्स ऑफ प्रपोजिंग टू ईच अदर ही डिडंट गो डाउन ऑन बट आई जस्ट शेयर नहीं हुआ था कोई सरप्राइज डिजर्व नहीं रहेंगे या कुछ टिपिकल वो भी चीज नहीं क्योंकि मैंने इनसे कहा भी था और उन्होंने कहा था कि हमारे आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट बट यू वर ऑफ द ओपिनियन कि हमारे ये नहीं है दिस इज नॉट आवर ट्रेडिशन कि नहीं हाँ वो बात इतनी सी है ना कि देखें हमारे यहाँ घरों के बीच में बात होती है ही वाज काइंड ऑफ इज आर ओके टू से नहीं आई डिडंट से घरों के बीच में बात होती है बट आई एम गोइंग टू दैट कि देखें आई हैड टोल्ड माय फैमिली आई वांट टू गेट मैरिड टू हर शी हैड टोल्ड हर फैमिली शी वांट्स टू गेट मैरिड टू हर बट हमारे यहाँ फिर भी इतना रख रखाव है दैट यू डोंट प्रेजेंट दैट आर्ग्यूमेंट्स टू योर पेरेंट्स बाय सेइंग कि हाँ भी फैसला मैंने कर लिया बाकी आप लोग देख लें यू वुड स्टिल लाइक योर पेरेंट्स टू गो इन दैट कन्वेंशनल मैनर meet their parents in that conventional manner and have each other's blessings because I'm not living separately from my rest of my family after marriage and I would want to have a continued nice happy relationship inki inki walida se bane ya na bane inki inki behno se bane na bane ya meri behan se bane na bane ya meri walida se bane na bane मेरी हर वक्त इनकी फैमिली से बननी चाहिए और इनकी हर वक्त मेरी फैमिली से बननी चाहिए मैं बीइंग अ सन और अ ब्रदर कैन टेक सर्टेन लेवरेज एंड शी कैन टेक द सेम लेवरेज बिकॉज शी दैट इज़ हर एक्चुअल फैमिली बट इन टर्म्स ऑफ इन लॉज देर हैज़ टू बी एक रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट कंटिन्यूस रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट तो ये हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि कभी अगर मैं इनसे नाराज़ हूँ तो वो मैंने ससुराल को नहीं दिखानी चाहिए जतानी नहीं है ना ये का काम करती हैं तो हम अपने मामला अपने तक रखते हैं हाँ, that's nice. हाँ, that's हाँ. Nice. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी बात वहाँ तक गई भी नहीं है कि सारे घर वालों को पता चल रहा है कि ओ गॉड इनके दरमियान क्या फिर तो बात निकल गई ना फिर अगर बात निकल गई तो फिर निकल गई फिर तो बात पब्लिक हो गई ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई कि फिर तो वो हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद इंक्वायर करेंगे हाँ भाई क्या हो रहा है अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी इतना आपको होना चाहिए एज एडल्ट्स के भाई आप इतनी सख्त रखें जब आप इतना बड़ा रिश्ता है कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप इसके सारे मसाइल भी अपने आपस में हल कर सकें फर्स्ट इंप्रेशन क्या याद है आपको इनका फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ पे कॉमेडी वो जो जो भी जहन में याद आ रहा है आई थिंक इनिशियली सो सकती है या इनिशियली जब सुनती थी इनके बारे में पढ़ा हुआ होता होगा या कहीं जैसे I think Harik ka hota hai that he's so full of himself. No. That's I think that you're being hard on yourself. I don't think it was that at all. I think he came across जो मैं अभी भी इनको कहती हूँ कि एक word है कि very earnest. He seems okay. very genuine. कि जो भी बात है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ क्योंकि देखिए हम जिस शोबे में काम करते हैं उसमें आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ज़रा लोगों के सामने एक इम्प्रेशन रखना पड़ता है ठीक है बेशक वो हम सोशल मीडिया के थ्रू रखें वो हम अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू रखें और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता होता है कि हमें कैमरा के आगे नहीं कहनी क्योंकि हर इंसान के
घर में या कुछ भी होते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन उनको यू नो यू समटाइम्स सी दैट देयर इज अ स्लाइड, इट्स ओके टू के आपने कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ढक के रखनी है, बट आपको कभी कभार पर्सनैलिटी शिफ्ट भी नज़र आता है. यू सी पीपल एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस दैट मे बी दे डोंट बिलीव इन, हाँ कंप्लीटली फॉलो थ्रू नहीं करते. तो इनकी जो मुझे बात लगती थी कि जो मतलब व्हाट ही सेइंग ही मींस. हमारा ये भी बड़ा होता है ना कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू लुक हैप्पी देन एक्चुअली फील हैप्पी. तो आई हैव बीन प्राइवेट इन दैट सेंस एज अ पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. तो मैंने हमेशा ये रखा गया जो हम टाइम साथ स्पेंड कर रहे हैं उसके अंदर एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसमें दोनों को पता होना चाहिए वेयर वी स्टैंड एज अपोज टू अस लुकिंग हैप्पी इन पिक्चर्स एंड हैविंग अ बिग का कहते हैं जी कैमरा रोल भरा हुआ है और इंस्टाग्राम पे रोज आपके अपडेट्स आ रहे हैं एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट यू बट यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. मुझे तो एक बहुत अजीब सी इमोशनल परवर्जन लगती है वो, एंड आई थिंक पीपल हु पुट देमसेल्फ थ्रू दैट कि फिर वो पब्लिक प्रेशर के अंदर ही अपने रिलेशनशिप को साथ चल रहे हैं, दे आर बीइंग वेरी अनफेयर टू देमसेल्फ एज वेल. उनकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. As long as you're happy and putting pictures, तो सही है. सही बात है. But ये एक प्रेशर तो है सोशल मीडिया पे, आप लोगों को फील होता है, आपको होता है कि मैं बता रही थी ना आपको कि हमारे मुझे तो दो तीन दफा लोगों ने आके पूछा भी है क्योंकि मेरी कभी कभार नहीं लगती है तस्वीरें क्योंकि जबरान तस्वीरें ही नहीं खिंचाते हैं. मुझे रैंडमली लोग कोर्ट में पूछ लेते हैं अरे सुना है कि अल्लाह खैर करे मामला खत्म हो गया जस्ट बिकॉज आप लोग पिक्चर्स नहीं लगाते नहीं लगाते. अब मैं आपको क्या बताऊँ अपने दिल का हाल कि मेरे शौहर खिंचवाते ही नहीं है, मैं क्या करूँ. आई मीन लाइक हाँ हाँ ठीक है ले लेंगे वो ही चले चलता रहेगा. और फिर अगर वो लेंगे तो फिर वो इतनी फनी तस्वीरें होंगी कि वो फिर मेरा दिल नहीं चाहता. मैंने कहा इसमें मतलब वो अजीब किस्म की होती है. आई कांट हैव अ सीरियस फेस रियली व्हेन टेकिंग पिक्चर्स. और थोड़ा वक्त अगर हो जाए पर मैं कभी कभार आई स्टिल पुश हिम हमारे मखसूस तो लेनी ही है मखसूस का कहते हैं हैं ऐसे मौके जहां पे ये होता है. लास्ट टाइम आई एक्चुअली फोर्स्ड हिम विद दिस के डूड People are talking about us. इनकी सालगिरह हो गई. हमारे बारे में ऐसी बातें कह रहे जबरान अभी तो हमने. इनकी सालगिरह, मेरी सालगिरह, हमारी एनिवर्सरी, बड़ी ईद, छोटी ईद, न्यू ईयर, छह सात मौके आ जाते हैं साल के अंदर जिसमें हम पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं. लेकिन कभी या अगर फ्यूर ऑन वेकेशन तो मे बी उसमें भी कभी कभार ये होता है कि कभी जैसे अभी इनकी सालगिरह गुजरी तो उसमें इतने बिजी थे ये इतने बिजी थे कि वो इतनी कोई फोटोशूट हमारे पास टाइम ही नहीं था. दूसरा ये कि वही वाली बात है कि समटाइम्स मैंने एक्चुअली जो पिछली तस्वीरें जबरान के साथ ली हैं अभी इस वाली नहीं इससे एक दो पहले वो यही कह के इनको लिए हैं कि अल्लाह मैं हाथ जोड़ी हूँ आपके सामने लोग अब अफवाहें फैला रहे हैं प्लीज हमारे रिलेशनशिप को लेके. हाँ लेट्स प्लीज पुट अ फोटोग्राफ. पहले ये बता जब ये जोन आउट हो जाती है फिर आप क्या करते हैं. मैं कब जोन आउट हूं. ये जोन आउट नहीं होती, ये आजकल जो जोन आउट होती है ये होती है दैट शी हैज अ एयर प्लग्स इन और ये किताब सुन रही होगी कोई रोज कोई. आई लिसन टू बुक्स. ओके मैराथन चल रहा होगा व्हाइल शी इज वाचिंग अ शो विद मी एंड देन आई एम कंटीन्यूअसली टर्निंग अराउंड एंड सेइंग इसने भी आखिरी लाइन क्या बोली. Because she's multitasking. You're watching a show with him and you're listening to books. Vansha, and you're okay with it. No, when she's watching a show which she is not finding interesting but only giving me company. Oh, that's also cute. And when she's making me watch a show, I'm on my cell phone looking at updates or writing something or drafting something. So, but I'm present physically baithe hote hain. Achha, par is cheez pe hogi na, toh tum hame kya? I'm like, ab main aapko dikha rahi hu, toh aapne dekhe the. He's like, toh main aapko dikha raha tha, toh aapne bhi toh wo kar rahi thi us waqt aap. But very rare ki hum koi aisi cheez pakad lenge ki hum dono ne baith ke dekhni aur hum kuch bilkul undistracted usko bagair kisi. Wo bhi ho jata hai. So what is one show that you guys have seen together, lekin usme na aap distracted the na wo distracted thi? Wo kaun sa tha? Bata lo. नहीं शो से बथेरे हैं. देयर वाज अस्पताल लोग, देयर वाज मिर्जापुर, देयर वाज दिल्ली क्राइम. मिर्जापुर तो बहुत बुरे तरीके से देखा था हमने. नहीं सीजन टू तो सही देखा था. एंड ये भी क्या कहते हैं कुर्रा वाज अ वेरी वेरी नाइस शो. जबरान को बहुत अच्छा लगा, मुझे सही लगा. मुझे जो है ना लो प्रोडक्शन के अंदर जब हाई कॉन्टेंट निकलता है ना मेरी एक उस टैलेंट और आर्ट के लिए रिस्पेक्ट. वो I may not be as such a media person in that sense, but I am a cinema film buff. I enjoy good quality music. I enjoy a good quality film, and I'll just his knowledge is. I mean, if you compare him to somebody like me, maybe not somebody like you, but आप मुझसे compare करेंगे तो उनकी knowledge मतलब आप surprise हो जाएंगे देखिए कि आप expect नहीं करेंगे कि मुझे ये पता होगा. नहीं ये कि बहुत ज़्यादा पता है, but इतना भी पता है आप शायद expect. तो फिर आप लोगों की तो बड़ी मज़े की conversations होती होंगी शुरू की, because he must be talking about all the things that you. नहीं बहुत चीज़ें इनको पता होती हैं जो मुझे नहीं पता होती, जैसे पुरानी फिल्में, पुरानी गाने, ये उस एक्ट्रेस ने ये फिल्म की थी, उस एक्टर ने ये वहाँ से शुरुआत की थी, ये 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 वो.
तो इनफैक्ट मेरी नॉलेज इन मामलों में कम होती है, तो मैं सुन रही होती हूँ, लाइक अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता था. सो हिज He's also got, I think, that kind of a brain with good with trivia also, that kind of yeah, okay. The things I actually do remember, the things I want to remember are everybody's names, dates, these things. Things I do end up remember are senseless songs and senseless film titles. So what song are you singing for her today? Allah nahi. क्यों भाई? नहीं ना, I'm not gonna sing a song because I have a horrible singing voice. नहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, you were singing, it was not bad. No, you were singing a song. पता नहीं मैं यहाँ पे कोई बैठा हूँ. आप वो, हाँ, वो वाला ना. रिल से यहाँ पर चश्मड़ी आई है. हम बैठे हुए आपके देखने वालों के लिए, हम सोच रहे थे कि अंग्रेजी तर्जुमा क्या है इस जुमले का, कि रुलते गए यहाँ पर चश्मड़ी आई है. But I don't want you to sing that song. I want you to sing a nice song for her. यार आप मुझे शेर सुना दे, गाना नहीं गाए. नहीं, मुझे लेट मुझे याद नहीं है मौके के ऊपर. लेकिन दिस इज अच्छा गाय पे बता रही हूं ना, इसलिए अच्छा हम इतने इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं है क्योंकि फिर तो हम ये ब्रेन. लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीजें जो है ना, वो आप एंटीसिपेशन पे छोड़ दिया करें कि ओ हो सकता है गाए तो अच्छा गाए. मैं गा के प्रूव नहीं करना चाहता कि बहुत बुरा गाता है. बट यू क्लेमिंग दैट आप अच्छा गाते हैं. आई मे बी नॉट लाइक हाई पिच नोट्स, मे बी हल्का सा अगर एक टोन के अंदर सिंगल आपने करना हो तो मे बी माकूल दो लाइनें गा दूंगा उसके बाद. आप करके बताएं देन. आई लाइक टू बिलीव आई हैव अ बेटर एयर देन. गा के बताएं देन आई विल टेल यू कि आप सही सोच रहे हैं या नहीं. नहीं ये ना करें, ये आई डोंट वांट टू गो वायरल. मैं इनकी बेगम हूं ना, मुझसे ज्यादा तो कोई मोहब्बत शायद इनकी अम्माई करती होंगी. अरे भाई हाँ, देखें ये क्या कहते हैं, मुझे लगता था बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता. मुझे लगता था यार मैं इतने गाने एंजॉय करता हूँ, बड़े expressions se gaata. So the one thing people do enjoy when I'm singing is my facial expressions, because unko lag raha hota hai isko lag raha hai Mohammad Rafi hai aise ga raha hai na. So mere liye jo bada eye opener tha na, wo ye tha ki mujhe meri ammi ne bulaya. And this was I think after A levels. Okay, maine kaha dekh beta main teri maa hu. Maine kaha ji ammi ji, aur mujhe bardasht nahi hai to koi nahi karega. ठीक है, जो कि माएँ तो बहुत कुछ दरगुजर कर देती हैं, तो मत गाया करो ऊंची आवाज में. हाँ, मैं भी यही कहती हूँ कि इन्होंने कोशिश की गा के तो हल्का सा हम करते रहे अंडर द ब्रेथ, आप हम करते रहे वो सही है. वैसे आई थिंक शुरुआत में तो थोड़ा बहुत गा लेते थे आप. मैं शुरू में कोशिश करता था, मे बी आई एम इंप्रेसिंग अपॉन हर और नॉट, बट आई डिड नॉट. आई वाज जस्ट लाइक मैं इंतजार ही करता रह गया कि हाँ यू सिंग नाइस. यू नेवर सेड दैट. नेवर सेड दैट. ही स्पीक्स वेल. यू कांट हैव इट ऑल. अब क्या अल्लाह में आपको अच्छी बोलने का अंदाज भी अच्छा होगा, गाएंगे भी अच्छा, ये भी मतलब सारे हुनर आपको. शायद किसी इश्तिहार के लिए अच्छा मैं वॉइस ओवर दे दूं. हैदराबाद टूल प्लाजा से 5 किलोमीटर की मुसाफत पे आपके ख्वाबों का नहीं, इस तरह अगर कोई ऐड आ जाए तो मैं शायद वॉइस ओवर. टर्की वाले आपके ख्वाब क्या टूटे थे? टर्की वाले ख्वाब, टर्की वाले ख्वाब. हाँ, हैदराबाद के लोग नाराज हो जाएंगे. नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मजाक है वो. तो भाई उनका नाम था चूंकि मंशा पाशा, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये ईरानी डिसेंट है या ये टर्किश डिसेंट है. और इवन हम जब इस्तांबुल में थे तो इन्होंने एक जगह पे अपना नाम बताया तो सामने वाला भी बड़ा मुतासर हुआ. ओ पाशा, पता नहीं शायद कोई रॉयल कोर्ट था कि कुछ टर्किश साइड से होंगे. हां, बट क्या कहते हैं, आई वाज अ बिट क्या कहते हैं सरप्राइज टू नो कि दिस इज अ फर्स्ट नेम वहां तक ही था. उनकी फैमिली में ये ट्रेडिशन था दैट द मेल्स ऑफ द फैमिली वर ऑलवेज गिवन टू नेम्स. ठीक है. एंड माय फादर्स निकनेम वाज हिज नेम वाज तारिक पाशा, बट यूज पीपल यूज्ड टू कॉल हिम पशु एज अ निकनेम. सो द नेम वाज लाइक फर्स्ट नेम फॉर हिम. सो वो तो मैं पता था दैट शी सिंधी, बिकॉज़ हमारे फॉर एग्जांपल आई एम अ सिद्दीकी, बट देयर मेनी सिंधी स्पीकिंग सिद्दीकीज एज वेल. अब्बासीज आपके पास भावलपुर की बेल्ट में भी हैं, मरी बेल्ट में भी हैं, जैसे सिंधी स्पीकिंग अब्बासीज एज वेल. सो आई थॉट मे बी यू नो शी इज फ्रॉम देयर बट शी इज सिंधी स्पीकिंग. बट बजला के जी वो तो फर्स्ट नेम था. ओके, तो मैंने कहा तो वही होगा जो बच्चे का नाम आप रख दे शहनशाह. ये देखा तो आप भी टीज करते हैं इसमें. बहुत बहुत टीज करते हैं मुझे. अभी जो मुझे रिसेंटली जो मैं कह सकती हूँ इसके, मैंने उनको कहा था कि मुझे एक छोटे वाले स्टड्स चाहिए डायमंड्स के, क्योंकि मैंने कहा था कि you know I like to, otherwise I wear artificial mostly, but if you're going to like a nice event you want like something a little nice. So also because they're a woman's best friend. Yeah, no, they're not, but at least we grew up listening to that ad, that propaganda. तो अभी जब मैं वापस आई थी आई थिंक यूके से,
तो ही वाज हेल्पिंग मी अनपैक। वैसे ये अच्छा है कि इंसान का बेहतरीन दोस्त जिलेट का फोम था और औरतों के डी बियर्स के हीरे, कितनी ज्यादती है, कितनी ज्यादती है, इन्होंने दोस्त बनाया तो हीरे, हमारा दोस्त जिलेट का फोम, कितनी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। आप बात मुकम्मल करें, अब कहानी पे आ जाते हैं। तो अभी जब मैं लास्ट ईयर ही शायद लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर की बात है, मैं यूके से वापस आई तो ही वाज हेल्पिंग मी अनपैक, क्योंकि मुझे होता है कि मैं फॉरेन से जो जो चीजें मैंने खरीदी हैं वो तो घर के लिए खरीद, बाकी कपड़ों का ख्याल है बाहर में जाए, बट ये कि जो मैंने चीजें घर के लिए खरीदी हैं, किसी के लिए खरीदी हैं, वो मैं फॉरेन से दूं। तो मुझे अनपैक कर रहे थे तो उन्होंने कहा, ऐसे पता नहीं कब डाला उन्होंने उसी सामान के बीच में, मैंने नहीं कि यूके के सामान में जो ये लेके आई थी उसी में प्लांट कर दिया, उसी में प्लांट कर दिया, एंड लाइक ये क्या है, आई एम जस्ट लाइक अच्छा ये भी एक्टिंग भी, ये क्या है, फुल फुल एक्टिंग के साथ कर रहा है, ही रियली नोस हाउ टू सेल इट बिकॉज़ समबडी लाइक मी विल ऑलवेज फॉलो, आई एम अ लॉयर, वी सेल थिंग्स एवरी डे इन कोर्ट, सही है, द एंटायर पॉइंट इज टू प्रिपेयर यू नो अपीयर अर्नेस्ट एंड सिंसियर। अच्छा फिर तो उसी सामान के बीच में डाल दिया, अब मैं थोड़ी सी हूँ इस मामले में केयरलेस, तो मैंने कहा मैं ये क्या लेके आ गई अपने साथ का, तो बैग में मैंने पता नहीं क्या डाल दिया, मैं उसको खोल रही, मैं खोला, मैंने कहा है और उसमें वो इयररिंग्स, तो मैंने कहा ओ भाई, तो मैं थोड़ा सा उस वक्त बिकॉज आई गेस इट्स ऑल्सो अबाउट द मोमेंट, अगर आप खुद अनसस्पेक्टिंग होते हो तो मैंने कहा है ये तो बड़ा सडन था कि मैंने पता नहीं 6-8 महीने पहले कहा था और एकदम से हो गया, आई थिंक दैट्स क्वाइट दैट्स रियली वो ही मैं कहती हूं इस मामले में इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली ही डज दैट्स द थिंग दैट इफ ही डज इट देन ही विल गो ऑल द वे बट नोट्स कौन लिखता है आप दोनों में से एक दूसरे को नोट्स तो मैं नोट्स ही शी राइट्स अभी तक लिखती हैं तो व्हाट डू यू डू दिस इज सो अभी थोड़े से कम हो शुरू में लिखती थी शुरू में छोड़ देती थी या शुरू में जैसे उस पे मिरर पे लिख के छोड़ दिया या बट ओह माय गुडनेस बट मेरा एक वॉलेट है जिसमें मैंने इनको दिया था कि पता नहीं क्यों उस पे मैंने टेप क्यों लगाया हुआ है क्योंकि वो इतना पुराना तो हम है नहीं कि वो 20 साल पुराना इन्हीं का एक नोट जो उन्होंने सबसे पहले मुझे लिख के दिया था वो इस वाली बैग के वॉलेट में नहीं है वो दूसरे बड़े वाले वॉलेट में so इनको भी याद हाँ इनको भी याद नहीं था और उस पे टेप लगा हुआ है जैसे कि पता नहीं 20 साल पुराना मैंने कहा ये कब मुझसे फटा और कब मैंने इस पे टेप लगाया ये भी मुझे नहीं पता अगर होता तो मैं दिखा देती ओह दैट इज सो क्यूट तो क्या ये अब नहीं करती पहले बस छोड़ दी थी पोस्टर नोट्स कहीं ये वो तो इन्होंने दिया था वो पहले मैं हाँ काफी लिखती थी अब नहीं लिखती पता नहीं क्यों अगर इनकी मौजूदगी के अंदर अगर कोई चीज आ जाए इश्तेहार भी आ जाए इस पर नजर आ रही है तो मेरा रिएक्शन नहीं देखना चाहती है उस वक्त गो के जब हम मिले थे और हमारी दोस्ती हुई थी तो उस वक्त इनकी पहली फिल्म आई थी दूसरी फिल्म टेलीफिल्म थी नहीं नहीं इनकी दूसरी फिल्म आई थी लाल कबूतर पहली थी हम गए हम चले हम कहाँ चले थे साथ चले थे साथ चलिए हम कहाँ गए थे मैंने चले थे साथ सो यू विल नॉट बी एबल टू पास द क्विज आई विल नॉट पास अबाउट हर आई विल पास इट ही विल फेल तो लाल कबूतर जो है मैंने 5 बार देखी ठीक है व्हाट वाज द रीजन वाज के फिर कभी आप दोस्तों को भी साथ लेके जाते हो बट ऑल्सो बिकॉज यार वो कमाल ने बड़ी अच्छी मूवी बनाई थी लिखने वाले ने बड़ा अच्छा कमाल किया था उसमें जो अदाकार थे उसमें इनके अलावा ऐसे अदाकार थे जो मेरे वैसे ही पसंदीदा हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो मुझे तो देखने का बड़ा मजा आया तो और कुछ इनका काम उसके अलावा तो आई थिंक हमने जाके आपकी कोई फिल्म नहीं देखी साथ नहीं नहीं आई वुड नेवर आप लोग अभी तक आप करते हैं हम आप ही बात करते हैं आप ही भी बात करते हैं नाइस मुझे आप लोगों की एक मेमोरी भी आपने इनकी वालदा भी आप ही बात करती हैं इनके घर में ही वैसे एवरीबॉडी क्योंकि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हम जिस जनरेशन से हैं आप कह लें तो पीपल यूजुअली विद देयर पार्टनर्स आर लाइक तुम क्योंकि एक लेवल ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर लाइक कॉलेज फ्रेंड्स तो वो कॉलेज में तो आप नहीं बोलते हैं तुम करके बोलते हैं तो वो फिर रिलेशनशिप में भी तो वो मुझसे पूछते हैं कि तुम अभी तक इसको सो मतलब इट्स ऑड यू नो इट्स थोड़ा सा पुराने जमाना स्टाइल मैंने कहा भाई इनके घर में हर कोई आपसे मुखातला इनकी वालदा इनसे बात करेंगे तो आप इनके अब्बू से बात करेंगे तो आप तो एक अजीब सा था मेरे वालिद साहब मैं आई थिंक 3rd या 4th क्लास में था माय फादर यूज़ टू रेफर टू मी एज़ जुरान साहब आई एम बैठे बहुत सारी चीजों के अंदर आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ हिम ट्राइंग टू गिव मी कॉन्फिडेंस सो बहुत सारी चीजों के अंदर पब्लिक डीलिंग्स में वो मुझे आगे करते थे पुश करते थे जस्ट सो दैट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इंट्रोवर्ट मैं उस तरह से ना रहूं बट ये है कि मुखातिब करने का तरीका जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा फॉर्मल और इज्जत के साथ गुफ्तगू रहा है हाँ
ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त आप ही रहता है और मैं तो अजीब सा होगा ना फील सो कॉन्शियस आई कैन डू इट वैसे भी फिर वो बनी नहीं ना बात क्योंकि हर कोई जब आपसे बात करते तो फिर आप भी आप हो गया समझा इससे पहले आपकी एक डाइवोर्स हो चुकी है और दिस इज योर सेकंड मैरिज तो थोड़ा सा डर लग रहा था क्या होता है जब आप इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर चुके हैं तो फिर सेकंड टाइम क्या आपके लिए आसान होता है ट्रस्ट करना जिंदगी में दोबारा इस डायरेक्शन में जाना व्हाट आर द फियर्स एंड द रीज़न आई एम आस्किंग इज जो लोग सुन रहे हैं जो खवातीन इस पॉइंट पे हैं और वो ऐसा डिसीजन लेना चाहती हैं बट डर लग रहा है उनको आप क्या कहना चाहेंगी देखिए आई फील लाइक एवरीबडीज मैरिज स्टोरी इज़ डिफरेंट और हर बंदे की डिवोर्स स्टोरी भी अलग होती है बिल्कुल ये दो चीज़ें जो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इसमें जो दो लोग होते हैं और उनकी सिचुएशन होती है वो मुख्तलिफ होती है तो अगर कोई मुझे एडवाइस लेता भी है तो मुझे बड़ा मैं बहुत हिचकिचाती हूँ एडवाइस देने से क्योंकि मुझे होता है मुझे पता ही नहीं है कि जो दो लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनके ख़ानदान वो किस किस्म के हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कह सकती हूँ कि आई थिंक आई हैव लाइक मुझे ये कॉन्सेप्ट शादी का बड़ा अच्छा लगता है मैंने अभी भी कहती रहती है दोबारा कर ले आपस में मतलब आपस में ऐसे लाइक द सेलिब्रेशंस कि तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट कि यू नो कि आप किसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हालांकि मेरी पहली शादी जो है वो नहीं चली लेकिन उसमें आई फील कि देयर सो मेनी गुड थिंग्स टू ग्लीन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस तो एज लॉन्ग पर हर बंदे की ये कहानी नहीं होती है मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक ये एक्सपीरियंस होता है तो लेकिन मैं ये कहना कह सकती हूँ अपने लिए कि जो था बुरा जब वो चीज़ नहीं बनी तो यू नो वी सेपरेटेड एंड वेंट आवर सेपरेट वेज बट आई वॉज ऑलवेज वेरी होपफुल आई डेंट लीव विद दिस आइडिया कि बस अब ये हाँ ये चैप्टर मेरे लिए मेरी उम्र ही गया मैं तो यू नो I want to find love. I want to spend my life with someone, and I think it's such a, you know, being with someone is such a learning experience, and it's such an enriching experience. क्या सीखा? मुझसे? आपसे? मेरे साथ? आपसे मेरा सवाल था, but आपने जिब्रान के साथ रह के अगर आप चीजें ना ही सीखें तो आप बहुत ही एक फुहड़ किस्म के इंसान होंगे अगर आप ना सीखेंगे, because again he's a nice human being. इंसान अच्छे हैं. तो इनसे मैं सीखती हूँ चीजें, काफी चीजें सीखती हूँ. I think बताऊँ क्या? नहीं नहीं बताएं, पूछा है उन्होंने, बताएं. हाँ क्या सीखती हूँ? I think he is very पता नहीं क्या कहने वाली मैं, like I'm just waiting. No, he is a very जिब्रान बड़े positive इंसान है. जैसे मैं I don't know मैं थोड़ी सी ना सिनिकल हूँ. मैं लोगों के लिए मतलब सिनिकल इन द सेंस कि मुझे होता है कि थोड़ा सा मेरे में अंदर है वो लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स वाली बात ना. अगर मैंने किसी के साथ मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो दैट विल मार्क माय इंप्रेशन, व्हिच इज ट्रू एट टाइम्स, इट्स नॉट केयर, हां व्हिच विल मार्क माय इंप्रेशन ऑफ देम. जिब्रान ठीक ठाक क्लीन स्लेट कर लेते हैं, विच इज वेरी शॉकिंग फॉर मी. इट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग कि वो ऐसी ऐसी मतलब मैं फिर कभी कभी सोचती हूँ कि यार उनको तो ऐसा ऐसा कह दिया उस इंसान के साथ, वो उसी इंसान के साथ बैठ के घर के अंदर चाय पी रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही. एंड माशाल्लाह बिकॉज ऑफ दैट वो लोग भी बदल जाते हैं, मतलब वो लोग एक्चुअली इनको पॉजिटिव तरीके से आई थिंक इवेंचुअली. मेरा जो डाउन साइड है इज आई थिंक आई गेट वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड व्हेन आई सी समथिंग हैपनिंग रॉन्ग. ऐसा नहीं कि मैं अपने गुस्से का इजहार नहीं करता और शदीद गुस्से का भी इजहार कर सकता हूँ, मगर ये कि आई ऑल्सो हैव दैट कैपेसिटी कि आई विल मीट अगेन, आई विल फॉरगिव, आई विल ट्राई टू फॉरगेट, आई विल ट्राई टू गिव दैट पर्सन अ न्यू चांस कि भाई दोबारा से शुरू करें. मेरे बड़ा पुख्ता यकीन है कि ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं के हवाले से हम ग्रे हैं, मैटर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है. तो उस इंसान को आपको उसकी पोजीशन के अंदर देखना है, फिर अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखना है, और फिर देखना है कि अगर गुफ्तगू का मौका दिया जाए और साथ में बैठ के एक अच्छे माहौल में दोबारा से ट्रस्ट बिल्डिंग का मौका दिया जाए तो क्या कोई खैर हो सकती कि नहीं हो सकती. अगर आप राइट ऑफ करना शुरू कर देंगे लोगों को बेस्ड ऑन वन एक्सपीरियंस तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे, कर देंगे अपने आप को. एंड समबडी लाइक मी वो एस्पायर्स फॉर पॉलिटिकल और पब्लिक ऑफिस, आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना. आप तो देखिए 24 करोड़ के मुल्क के अंदर अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं कि 24 करोड़ के 24 करोड़ फरिश्ते हैं? डेफिनेटली नहीं है. नेशनल फाइबर में अच्छे बुरे लोग होते हैं और आपको हर एक के साथ काम करना है. देखिए जमहूरियत का तो हुसन ही है कि आपने उन्हीं के साथ जो आपके हरीफ होते हैं जिनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और सख्त बातें कर रहे होते हैं, फिर उनके साथ ही आपने मुल्क के वसीतर मफाद में इकट्ठे होना होता है. वो एक और बात है
कि जुमला वसीतर मफाद या मायने खो चुका है और वो एक प्रिंसिपल स्टांस नहीं रहा है, वो एक सेल्फ सर्विंग स्टांस हो गया है। बट आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, आप मुकम्मल तौर पर लोगों को राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो बेशक फिर आपकी कोई आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन हो या पर्सनल लाइफ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, और अगर रिपीटेडली कोई इंसान करे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कर सकूँगा कि आई विल स्टार्ट इग्नोरिंग दैट पर्सन, बट आई वुड स्टिल सम हाउ विश देम वेल और वुड वॉन्ट टू प्रोवाइड हेल्प टू देम विदाउट देम नोइंग कि मैं ही कर रहा हूँ पीछे से, बिकॉज मैं ये भी नहीं चाहता कि वो फॉर ग्रांटेड ही लेके बैठे रहे जिंदगी तक। अच्छा, मुझे लगता है ये इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो आई फाइंड दिस टू बी क्वाइट मतलब डिफिकल्ट, इन्फ्यूरिएटिंग एज वेल। हां, मुझे आते रिएक्शन आते हैं, इनको गुस्सा आता है, ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हो ऐसे लोगों को। आई एम जस्ट लाइक, भाई आपको पता है, मतलब इट्स फॉर मी इट्स वेरी मच लाइक, पता है फिर क्यों किया। हाँ, कि आप मतलब उसी दलदल में उसी चीज में आपने फिर से जाके क्यों, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, बट आई थिंक आई एम लाइक फूल मी थ्राइस फूल मी फोर टाइम्स, खैर है चल रहा है। बट मुझे लगता है कि वो ही डज हैव अ स्लाइट अवेयरनेस, ही जस्ट डजंट लेट इट, सॉरी आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ इसको उर्दू में, कि वो अपने उसको कलर नहीं करते, उनके जहन में होती है कहीं पीछे बात, बट वो अपने नए इंटरेक्शन में ही वोंट लेट इट शो दैट यू नो ही हैज दैट, ही इट विल बी अ क्लीन स्लेट, बट यू नो तो उस बंदे को फील कहीं नहीं होगा कि ये नहीं नहीं फील होगा, मैं ताने भी दूंगा। नहीं, मैं देखिए मैं अनअपोलोजेटिक किस्म का इंसान हूँ, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ लोगों के साथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करता हूँ, खासतौर पर अपने समाजी और सियासी मामलों के अंदर। मुझे लगता है कि कभी कोई मेरे पास कोई तकलीफ लेके या परेशानी लेके आता है, मशवरे के लिए लेके आता है, तो ये तमाम तर चीज़ें अमानत हैं। तो मैं खरी बात करूँगा, मैं स्ट्रेट बात करूँगा, बेशक वो उसको हार्श लगे सामने वाले को, मैं फॉल्स होप्स नहीं देता लोगों को, मोटिवेशन दूंगा बट फॉल्स होप नहीं दूंगा, आई ट्राई टू ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर व्हाट इज़ टू कम। You're speaking though right now in a law capacity, na? नहीं, not even a legal capacity, even in a state relationship capacity. मैं बड़ा लोगों को स्ट्रेट एडवाइस दूंगा जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लगता भी ऐसे ही कैसे होंगे ये। तो मैं चीजों को बटर नहीं कर सकता, मैं शुगर कोट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्वीटन इट फॉर यू। तो अक्सर लोगों को यार ये भी लगता है यार ये बड़े मायूस है मुझसे मिलके, बट मुझे लग रहा होता है दैट आई एम सेविंग देम टाइम एंड आई एम डूइंग देम अ फेवर। और हमारे यहाँ यही तो चीज़ है कि आपसे कोई एक्चुअली सिंसियरली बात ही नहीं करता, सब आप लोगों को बस टाल के दिलासा दे के कि यार मेरे पे कोई बुरी लाइट ना आए तो उसको दिलासा दे दो, तसल्ली दे दो, टाल दो और आगे भेज दो। और मुझे लगता है आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, इट इज़ बेटर फॉर दैट पर्सन टू बी अवेयर कि उसके फ़ायदे में क्या है एंड लेस इंपॉर्टेंट कि वो मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं कि नहीं रखते। आई एम दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट मी बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो कोई दो बातें सीख गया बेशक ये समझ के कि मैं बुरा इंसान हूँ, लेट इट बी, बट ये इट रिक्वायर्स यू टू बी ब्रेव आल्सो, आई फील। अच्छा, मैं जो सवाल पूछने लगी हूँ थोड़ा सा आपके जहन में शायद, बिकॉज आई नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आप थोड़े ट्रेडिशनल थिंकिंग से भी सेपरेटली इन द सेंस कि जो चीज़ें सोसाइटी में टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इंप्रेशन से आप उससे हट के सोचते हैं, तो आपको शायद मेरा सवाल लगे कि क्या है, लेकिन मैं इसलिए पूछूँ कि हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस करेंगे तो ये चीज़ें और नॉर्मल होंगी, टैबू जो उनके साथ हमने लगाया है वो ख़त्म होगा। यू न्यू दैट शी हैज़ हैड अ डिवोर्स बिफोर बट यू वर कम्प्लीटली ओके कि आप उनसे शादी करें, तो क्या जहन में चल रहा था एंड वॉट वर यू थिंकिंग, एंड अगेन द रीज़न आई एम आस्किंग इज़ दैट कि समझा जाता है कि ओ नहीं समझा वो ऐसे अनहोली तो नहीं ना। देखिए ऐसा तो नहीं था कि जब आई वॉज यंग तो मेरे जहन में था यार कि जब मेरी पहली शादी होगी तो मेरी बीवी की वो दूसरी शादी होगी, नहीं होता ना। आप एक ही माहौल के अंदर पले बड़े होते हैं और यकीनी तौर के ऊपर आप ऐसी ही सराउंडिंग से गुजरे होते हैं जो कि परवरिश सिर्फ वालदैन नहीं करते, परवरिश पूरा माशरा करता है, आपके पेयर्स भी करते हैं, सोशल प्रेशर भी करता है, वही आपको मोल्ड करता है। फिर आपके असाबों के ऊपर है आप कितने ताकतवर हैं अपने असाबों को लेकर, कितने नहीं हैं। तो ये मैच्योरिटी तो वक्त के साथ आई कि जी लोगों के पास होते हैं, लोगों के पास रिलेशनशिप्स भी होते हैं, हो सकता है वो इंगेजमेंट की सूरत में हो, वो शादी की सूरत में हो, या वो वैसी एक रिलेशनशिप हो। और जब आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी में नहीं थे तो आप बैठ के ये जजमेंट कॉल नहीं दे सकते कि वो इंसान क्या फैसले कर रहा था, सही कर रहा था या गलत कर रहा था, क्योंकि यू आर नॉट इवन देयर टू ऑब्जर्व लेट अलोन एडवाइज़ ऑन एनीथिंग। और इसी तरीके से सामने वाले को तो मुझसे भी शिकवा हो सकता है कि भाई ठीक है आपकी शादी किसी से नहीं थी बट आपके भी पास में रिलेशनशिप्स थे। तो
तो आप तो बिगर पिक्चर के लिए ना कि आपने कोई रिकॉर्ड या कोई चेकबुक टिक करनी है या सामने वाले को बताना है कि वो मेरे बारे में ये ना कह सके कि ओहो इसकी तो दूसरी शादी है, या आपने ये देखना है कि आप जिस इंसान से शादी कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत और आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ये फैसला करके बैठे हैं तो मैंने तो इनके साथ आने वाला कल गुजारना है ना, तो मैं इनके गुजरे हुए कल पर क्यों ड्वेल करूँगा, मैंने तो आने वाले कल के ऊपर ड्वेल करूँगा। आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है कि कोई सोच के नहीं आता, बट उस पर क्या आप कहा कि जिस पार्ट में जिंदगी के समय में आप थे भी नहीं और सोसाइटी में शेयर, इन्होंने देखिए इन्होंने कोई अपने माजी के अंदर कोई क्रिमिनल काम थोड़ी किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई खातून हूँ और मुझे पता हो कि मेरे से पहले जिसने शादी की है वो तो डोमेस्टिक अब्यूज़ करता था पहली बीवी के साथ, तो डेफिनेटली दैट इज समथिंग यू नीड टू हैव एन ओपिनियन ऑन। या इनका क्या कहते हैं मेरा इनकी किसी हवाले से कोई राय होती जो कोई किसी क्रिमिनल उस वाक्य के अंदर आती या ऐसी ऑब्नॉक्सियस चीज़ होती। पीपल गेटिंग मैरिड और पीपल फॉलिंग इन लव एंड पीपल फॉलिंग आउट ऑफ लव एंड द मैरिज नॉट वर्किंग आउट एंड देयर बीइंग डिफरेंसेस, इट इज़ नेचुरल। इसमें ऐसी अनहोनी क्या चीज़ है? लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है ना, हमने उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया। वो तो देखिए हमने तो, मैं इसको आपको यूँ बता दूंगा कि देखिए जब भी भारत में बनेगी ना वीर ज़ारा तो ज़ारा पाकिस्तान की होगी और वीर हिंदुस्तान का होगा, और जब पाकिस्तान में बनेगी वीर ज़ारा तो ज़ारा हिंदुस्तानी होगी और वीर पाकिस्तानी होगा। ये इसके अंदर जेंडर बड़ा आ जाता है और जेंडर प्रोप्राइटरी बड़ी आ जाती है कि हमें लगता है कि जब आपने किसी खातून से शादी की तो आपने उसको फतह कर लिया, तो फिर ये बात होती है कि पहले फतह किसने किया था, हु वॉज हेयर फर्स्ट। ये बहुत एक छोटी सोच है, बीमार सोच है, बट ये माशरे में ना अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी तो नहीं है, एक इंसान है भाई। ये आप इन चीज़ों के बारे में अगर पढ़े रहेंगे तो फिर आप तो किसी भी इंसान से शादी के लिए मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे हेल्दी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बीवी की पहले शादी ना हुई हो तो पहले कोई रिलेशनशिप तो हो सकता है ना। ज़्यादातर आजकल जो हमारे यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी अब थोड़ी चेंज हो गई है और कुछ सोशल सर्कल्स में जहाँ कोएड एजुकेशन कॉमन है, योर फर्स्ट इंट्रैक्शन इज हैपनिंग 13 or 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स, यू आर समवेयर रोमांटिकली इंक्लाइंड और इन्वॉल्व विद समबडी, बट यू आर गेटिंग मैरिड 22, 23, 24 ऑनवर्ड्स। So, 13, 14 तो बहुत छोटा हो। नहीं, देखें, people are having their first crushes during that time. And that could be at either crush could be at your teacher or it could be at your class fellow and maybe she has a mutual crush on you. I'm thinking I wasn't lucky. मैं जो जिसको भी मुझ पे crush होता था, मुझे जिस पे होता था उसको मुझ पे नहीं होता था। तो but कुछ होते हैं lucky, मेरे साथ के दोस्त होते थे, मैंने कहा अच्छा वो भी तुझे पसंद करती है, मेरे साथ ये नहीं होता। ठीक है, तो आप तो आने वाले कल को देखिए, आज को आज के लिए ग्रेटफुल हुई और आने वाले कल के लिए विशफुल हुई है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अगर आप और अगर आपको लगे कि इस सवाल को आप जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली ओके, हम एडिट में भी निकाल देंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सोसाइटी हमें शेप करती है और फिर मेच्योरिटी का एक जर्नी होता है जिससे आप गुजरते हैं। क्या किसी पॉइंट इन टाइम आप भी ऐसे ही सोचते थे, फिर कुछ हुआ या इनसे मिलकर आपकी सोच चेंज हुई कि नहीं डाइवोर्स इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू थिंक एज अ हर्डल और चैलेंज and it's completely okay, it doesn't make a difference, it doesn't define her or it doesn't make a condition about her. dekhiye mulk ke nizam se leke ek cheez bata sakte hain, agar koi aise log soch rahe hain unko aap kya bolenge ki kis tarah wo apni soch ko change kar sakte hain, jo maybe cha rahe ho kisi khatoon ke sath involve hona but ye cheezon ne bother karti ho ki yaar iska past hai ya iski divorce hui hai ya wo kuch bhi hai. pehle to main ek general confession kar lu na ki mulk ke nizam se leke azwaji zindagi tak मैं जिन चीज़ों के बारे में पहले जिस तरीके से सोचता था अब मैं नहीं सोचता, मेरा हर चीज़ को लेके जाविया तब्दील हुआ है। और ये जर्नी आपकी इंटरेक्शन से ही होती है। अगर आप सिर्फ उन्हीं को दोस्त बनाएंगे जिन बच्चों के साथ आपके वालदैन ने आपको स्कूल में भेजा था और उसी मोहल्ले में ही रहेंगे जहाँ पर आपको पाला पोसा गया, तो आपका एक महदूद जाविया होगा। आप जब ट्रैवल करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और कुछ कुदरत अल्लाह ताला आपकी तरफ भेजते हैं लोगों को जो अच्छे दोस्त मेंटर भी बन जाते हैं, तो आपको चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, ह्यूमनाइज होती हैं, तो आप रैशनलाइज भी करते हो। अब ये जो सवाल है कि जी कैसे अपनी सोच मुख्तलिफ करें, ये तो मेरे ख्याल में आप किसी को नसीहतन नहीं कह सकते। आप ये बता सकते हैं कि हेल्दी सोच क्या है, मजबूत सोच क्या है और नेगेटिव और मनफी सोच क्या है, मगर आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे, ये एहसास कैसे आएगा, ये जर्नी है। यकीनी तौर पर देखिए मेरे भी मल्टीपल कोई हार्ट एक्स हुए होंगे, मुझे भी ज़िंदगी में मायूसियाँ हुई होंगी, किसी को मैंने भी तकलीफ पहुंचाई होगी, कभी मैं भी गिल्टी पार्टी रहा हूँगा माजी के अंदर। ये रियलाइजेशन तो वक्त के साथ आपको आती है ना कि जब आप परफेक्ट नहीं हो तो सामने वाला कैसे परफेक्ट है, और अगर आपसे मिस जजमेंट्स हो सकती हैं तो सामने वाले से भी हो सकती हैं। तो आप जो दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो या एम्ब्रेस कर रहे हो वो उसको इंसान जान के कर रहे हो, तो उसके लिए तो पहले आप खुद भी ज़मीन पर आइए ना, आसमान से उतरिए और अपने आप को भी गलतियों का पुतला तस्लीम कीजिए। और मैं तो खैर इस तरह से लकी हूँ
कि इनमें इतनी खामियां नहीं जितनी मुझमें हैं, तो मेरे लिए तो आसान था ये फैसला करना। हो सकता है जो दूसरे लोग ऐसे सोच के मालिक हो, उनको जब कैसा कोई अच्छा इंसान मिले अपनी जिंदगी में, तो उनके लिए भी आसान। ओहो, लाजमी छक्का लगा के गए, घर में होनी चाहिए। घर पे नहीं लगे होते ना यार ये कैमरे, की माइक शाइक नहीं लगा होता तो कोई आर्काइव नहीं कर रहा ना कोई। नहीं, पर घर पे यूजली ऐसे एक्चुअली, अब हमें हो भी ऑलमोस्ट 3 साल गए हो गए, तो वो फिर अब घर पे अलग किस्म की तारीफें होती है ना, कि अब कॉफी अच्छी बनी है कि नहीं बनी। वैसे ये भी बड़ी बात है, आज मैं अच्छी कैसी लग रही हूँ, क्या मैं ये जूते पहनूं, क्या ये मुझे सूट कर रहा है, ये अब हमारी कॉन्वर्सेशन। अब ये है कि ही स्टिल रिस्पॉन्स द सेम वे, बिकॉज बहुत सी मैरिजेस में ना वो बीवियों को शिकायत होती है कि मैं पूछूं कैसी लग रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो चेंज हो रहा है यार। आई वाज एक्चुअली, मैं थोड़ी सी क्योंकि मैं एक ऑल फीमेल हाउसहोल्ड में बड़ी हुई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं तो इस चीज से यूज्ड टू ही नहीं थी कि मैं किसी से पूछूं। ये थोड़ा ये था कि भाई यू नो मैं अपने आप की वीकनेस या वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूं, कि मैं तनकीद का दरवाजा नहीं खोलना चाह रही ना। So all of this I started doing after my marriage. कि मैं इनसे पूछूं कि मैं ये जूते पहनूं या ये ठीक लग रहा है, या ये मैं ये वाला बुंदा पहनूं या ये वाला पहनूं, क्या ये you know is it right for the occasion type. तो क्योंकि मेरे outfits में variation भी ज़्यादा है as compared to जिब्रान, तो then and then he has good advice ना, he'll just be like हाँ ये जूते नहीं, आप आपको कुछ और नहीं है। So he still takes interest in all the decisions. No, he takes an interest. If I ask his advice, तो जिब्रान advice देंगे. He will be sincere in his ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है, ये नहीं होता. He will give his advice कि नहीं ये जूते सही नहीं लगे. I think that she's looking nice, I'll be the first one to say that she's looking nice. That's nice. How important do you think it is, Mansha, कि मियां बीवी एक दूसरे को compliment करें, especially मर्द औरत को, husband wife को बहुत ज़्यादा compliment करें? How important do you think it is? I think it's both ways very important. मुझे लगता है कि again I was one of, मुझे लगता है मैं उन लड़कियों में से थी जो लड़कियों को बहुत compliment करती थी, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता था कि लड़कों को कैसे compliment करते हैं, तो मैं नहीं करती थी इतना। एंड आई थिंक दैट समथिंग आई ऑल्सो लर्न यू नो थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, कि दे आर ऑल्सो रिक्वायर रीअश्योरेंस, इनकी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, इनको भी वरना हमेशा बेतहाशा, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, मेरे तो घर में सिर्फ लड़कियां हैं, तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि यू नो लड़के क्या, फिर हमें तो हमेशा ये लगता था कि दे वर द यू नो स्टार, क्योंकि लड़के मोस्ट गाइज आई हैव नोटिस्ड रियली मास्क इट वेरी वेल, girls sometimes wear their insecurities on their sleeve, aur ladke you know over confidence aur uski sakht londa uske piche chupi hui hoti hai unki sari insecurities, so I would be like bhai ye to banda bada hi over confident chal raha hai, to main to uski tareef nahi karungi, you know I was of that mindset. But then as you grow older you realize ki no, kahin kahin choti choti cheezon mein aapko nazar aa jata hai ki they are a little you know, they also have you know they are conscious about themselves, so mujhe lagta hai dono ko hi, aur main manti bhi hu, main kehti bhi hu, मैं गिला भी करती हूँ, आज आपने बोला ही नहीं, मैंने नई परफ्यूम लगाई, आपने तो नोटिस ही नहीं किया, ऐसी स्टूपिड चीजों पे। नहीं, बट आई से कि स्मेल नाइस, आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि इट्स अ डिफरेंट स्मेल, यहाँ पे हो जाता थोड़ा बहुत, मेरी ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है। थ्री वेज दैट ही सपोर्ट्स यू, थ्री वेज दैट ही सपोर्ट्स मी, आई थिंक व्हाट थ्री वेज मेक्स यू अ बेटर पर्सन, आई मीन द थिंग इज मेरी और जिब्रान की दोस्ती भी काफी अच्छी है, सो इन द सेंस दैट हाउ ही सपोर्ट्स मी, आई मीन ही इज नेवर मेरे काम में कभी उन्होंने कोई वो नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया, हाँ, जजमेंट कॉल नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ही इज वेरी यू नो हिज वर्क, यू नो ही रिस्पेक्ट्स हिज वर्क, ही रिस्पेक्ट्स माय वर्क, तो ये एक बड़ा मेजर चीज है एटलीस्ट मेरे लिए कि यू नो वो चीज ना हो। दूसरे तरीके से हाउ ही सपोर्ट्स मी, हाँ ही मेरी जो भी बात है ना उसको ही विल ऑलवेज कंसीडर इट, कि मतलब बेशक हमारी कोई डिसएग्रीमेंट भी होगी ना, जो मेरी मैंने बात कही है ना उसको मद्देनजर तो रखेंगे, उसको ऐसे रद्द नहीं कर देंगे, रद्द नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा इसके मुंह पे कि मैंने रद्द कर दी, नहीं ये भी नहीं, बट मैं बाद में जाके सोचूंगा यार कि बात ये सही कर रही है, कोई मुझे बोले कि मैंने रद्द कर दी और मैं चुप, नहीं तो तुम चुप नहीं रहती, तुम मुझे आगे सुना भी देती हो, बट आई बी लाइक इसने बोला देन आई थिंक अबाउट इट एट लेंथ, हां एंड व्हाटएवर इट इज फ्रॉम हाउ आई वांट टू यू नो, इफ आई वांट टू चेंज समथिंग इन द हाउस टू हाउ यू नो हाउ आई वांट टू लिव और एनीथिंग, मतलब कि या मेरी मोर इवन लाइक अ बिग प्रोफेशनल रिलेशन डिसीजन, हाँ इनकी किसी चीज को लेके, तो ये तो दो हो गए, ये दो हो गए, एक और चीज, तीसरी चीज के मुझे कैसे सपोर्ट करते हैं, आई थिंक एक चीज बड़ी अच्छी है इनके बारे में जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, दैट ही यू नो it's not just about taking an interest, it's also about not taking too much interest in the wrong things, okay, ki kabhi mujhe ye nahi puchhenge ki acha tumhari us behan ka kya ho raha hai,
अच्छा तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, अच्छा उसका क्या, he doesn't to give you space, he lets me and my कि मतलब अगर मेरे किसी मेरे खानदान के इंसान के साथ झगड़ा भी हो जाएगा और मैं उनको बता दूंगी कि भाई मेरी अभी उनसे sort of I have three sisters, of course we fight, right? So if I will tell him that you know she and I are not talking right now, he won't be like you know कि होता है ना कुछ लोग चस्के भी लेते हैं उस बात के, हाँ तुम्हारे तुम्हारे घर वालों से बनती है ही नहीं, you know shit like yeah, stuff, sorry, I don't wanna swear, but stuff like that. तो ऐसा कुछ नहीं है कि he'll just be like अच्छा हाँ ठीक है, तो वो cool down कर देता है actually. हाँ उस चीज़ को उनका इनका भी focus ये होता है ना, I think मेरा भी focus I hope यही होता है कि हम एक दूसरे के relationships को improve करें and become a source of mending rather than a source of tearing okay. things apart. So he always acts as that source. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि work life में शायद उस तरह का stress ना हो, public friend life में social life में उस तरह का stress ना हो, मगर marriage life में बहुत stress होता है. बिकॉज आपस में गुफ्तगु नहीं है और वो जिसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कह रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं. हमारा ये कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मुझे समझ में आई है दैट वी आर विद ईच अदर टू टेक ईच अदर स्ट्रेस अवे. जहाँ स्ट्रेस नहीं होना चाहिए दैट इज़ द मैरिज. बाकी जितना भी स्ट्रेस है वो तो फिर हमारे अपने डिसीजन है ना. हम पब्लिक फिगर्स हैं, हम पब्लिक फिगर्स हैं, ये कोई ड्रामा करेंगी काम करेंगी उसका एक रिएक्शन है, उसकी एक इन्वायरमेंट है, एंगेजमेंट है. मैं बतौर वकील या बतौर कोई सियासी काम या एक्टिविस्ट काम करूंगा उसका एक स्ट्रेस है, लोगों से आपने डील करना है. तो आप एक दूसरे के पास आते हैं कि वो स्ट्रेस कम किया जाए और आपको वो मेंटल स्पेस दी जाए, सुकून दे, कि ये आपकी सेफ स्पेस है काम करने के लिए. अगर आप सारी लड़ाइयों के बाद यहाँ पे भी आके फायर फाइटिंग ही करेंगे तो फिर तो आप यू आर फूलिंग योरसेल्फ, वो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव ही नहीं करेगा. एंड आई बिलीव के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक और चीज़ भी जो होती है ज़रूरी इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर इज एक लिमिट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट यू शो फॉर ईच अदर. बिकॉज जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं या वो लाइन क्रॉस करते हैं कितनी बार भी करें तो इट्स लाइक दैट नेल है कि आपने दीवार में मार के निकाल दी बट वो क्रैक आ गया. दैट क्रैक एंड दैट ट्रॉमा वुड ऑलवेज बी देयर. क्या दैट इज द लेवल वी कैन गो डाउन टू. सो हमेशा एक जगह के ऊपर आके आपको कह दीजिए यू नो लेट्स अभी इधर उधर जाके बैठ जाओ, जरा फासले पे आ जाओ, इंट्रैक्शन बंद करो, फोन बंद कर दो, कमरा अलग कर दो, जरा स्पेस दो, ब्रीथ, मेडिटेट करें, काम करें, फिर आके बात करें. बिकॉज आपने वो लाइन नहीं क्रॉस करनी. बिकॉज मुझे लगता है वो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाती रहेंगी अंदर से. निका नामा पढ़ा था आप दोनों ने, डिस्कशन हुई थी आपस में या इनको सारे राइट दिए हैं? हाँ. जो इनके हैं दिए हुए क्या हैं, दिए हुए क्या हैं इनके, जो हक है वो है. हाँ, वो है. आपके हाथ गर्म है इसलिए मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, अपने हाथ सेक रही हूँ आपके हाथ. वी आर लाइकिंग ही स्मॉल. हाँ सॉरी, बिकॉज मेरे हाथ इनके हाथ गर्म है, मेरे हाथ ठंडे. तो मैं कह रही थी कि पढ़ा आपके सवाल सुन के इनके हाथ ठंडे हो गए. मेरे सवाल तो मासूमाने सवाल है, कोई इतने मुश्किल तो नहीं है. तो मैं ये कह रही थी, हाँ मेरी क्योंकि तीन बड़ी बहनें तो मैं पहले से ही जो है मुझे मालूम भी था क्योंकि मेरी शादी पहले हो भी चुकी है, उसकी वजह से भी मुझे मालूम था. तो और ये वकील भी हैं तो आई मीन देर वॉज नो क्वेश्चन कि यू नो देर वॉज गोइंग टू बी एनी, मतलब इस चीज़ों पे तो एक्चुअली क्वाइट फ्रेंकली हमारी कभी डिस्कशन भी नहीं हुई क्योंकि ये एक बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ है. जैसे लोग मुझसे, आपने भी पूछा कि आपने अपना नाम नहीं बदला, आप यकीन नहीं करेंगे ये कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ हमारे दरमियान कि हम नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या हम ये करेंगे या नहीं करेंगे. आई एम सेइंग दैट्स फाइन इफ पीपल डू दैट, दैट्स फाइन. बट आई थिंक कि बिकॉज एक हम क्योंकि साथ थे पहले भी और हमारी इंगेजमेंट को भी काफ़ी टाइम हो गया, इतनी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें थोड़ा सा ये था, आई थिंक आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये ऐसा ही है. बट मुझे बहुत दफ़ा ऐसा होने के बावजूद कि जहाँ लोग इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हो, फैमिलीज में शादी हो रही हो तो निकाह नामे की कुछ चीज़ों पे होता है, जैसे हक महर पे एक डिस्कशन हो जाती है, कभी कभी मसले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी इस पे कि औरत को डाइवोर्स का हक दिया जाए ना दिया जाए. ये सब बता दिया था इनको भी शायद कि हमारे घर में ये है ठीक है हक महर, तो यही लिखा जाएगा. हमारा देखिए हक महर तो हमने पूछा था कि हम पूछ के लिखेंगे. जहाँ तक डिवोर्स का राइट है वो उनका राइट है, वो राइट आप लेते हैं खाना काट के, ठीक है. और भाई अगर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप किसी ऐसी नेज पे जा सकता है दैट आई कैन से सिंपली स्टैंड एंड से कि जी सामने वाले को खुदा ना खास्ता तलाक है और अलहदा हो जाए और मुझे किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने, तो मेरे शरीक हयात को इस हक क्यों नहीं होना चाहिए? वाई डू आई हैव टू गो एंड सेंड हिम थ्रू द टर्मोइल के अदालतें जाएँ 3-4 महीने और उस चक्कर को, उस बैगेज को अपने साथ रखें? तो निकाह नामा तो एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ सपोज टू बी एम्पावरिंग द बोथ पार्टीज, क्योंकि आप एक मफाद के लिए कॉमन गुड के लिए एक साथ हो रहे हैं ना, जिंदगी में अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वो इमोशनल बेनिफिट हो
या कोई किसी और किस्म का भी बेनिफिट हो, तो उसकी जो टर्म्स और शिकें आपको एम्पावर करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक को डिसएम्पावर करते हैं और वहीं पे बैलेंस यूँ हो जाए। और हम कहने को कह देते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट आप इसकी बात है जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो उसको बुरा लगते वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। और हमारे तुम खुशकिस्मत हैं कि वी आर हैप्पी टुगेदर, बट ये चीज़ें बेसिक यूँ भी हैं कि आई ऑल्सो बिलीव कि ये दूसरे का हक पहचान कर उसको इंश्योर करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पेक्ट यू गिव टू द अदर पर्सन। ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि मैं इस माशरे में मर्द पैदा हूँ और ये औरत पैदा हुई है, मैं भी औरत पैदा हो सकता था और ये मर्द पैदा हो सकती थी, इनका नाम जिब्रान हो सकता था, मेरा नाम मंशा पाशा हो सकता था, मुझे इनसे ही उम्मीद होती कि मुझसे मेरा कोई राइट नहीं लेंगी जो मुझे कानून देता है। आपने मुझसे पूछा कि इनकी तीन चीजें क्या अच्छी लगती हैं, बड़े करे बता रही हूं, आ रही हूं। तो इन्होंने इन्होंने ये भी आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग इज डन, शी डिडंट आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव डन। ये तो मेरा गेस्ट हो गई भाई, मेरे मेहमान, मैंने इतना कुछ किया भी नहीं। आई एम फाइटिंग फॉर यू हियर, शी इज नॉट आस्किंग। अच्छा भी बताएं व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग। अरे इतनी क्यूट चीज करती हैं, आई थिंक दैट इज सो क्यूट, शी यूज्ड टू राइट नोट्स, दैट इज सो क्यूट, आई लव दैट। आई थिंक द रियल रोमांटिक थिंग्स व्हिच विद पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज देखिए कोई इवेंट आ रहा होता है ना, कोई डेट आ रही होती तो सारी कर रहे होते हैं तैयारी उसकी होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पसंद हैं, जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, जिसके बारे में और कोई ख्याल नहीं रखेगा, आप खुद भी नहीं रख पाते, एंड इफ द पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ दोस लिटिल थिंग्स, दैट मींस कि वो रोज कुछ वक्त निकाल के इस बारे में सोच रहा है। बेशक जाके ग्रोसरी जाके आपकी कोई जरूरत की अशिया आ जाए कि आप जब भी दराज खोले अलमारी खोले दोस थिंग्स आ देओ, शी डज दिस थिंग्स एट अ रेगुलर लेवल। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली सम टाइम ऑफ द डे इज डेडिकेटेड टू थिंकिंग अबाउट मी एंड माई वेलफेयर एंड लुकिंग आफ्टर मी, नॉट एज अ जॉब, बिकॉज इट इज़ नॉट, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी भी नहीं है कि घर का सौदा आप करेंगे, चीज़ें वो लेके आएंगी, दीज आर जस्ट थिंग्स यू टेकन आवरसेल्फ्स एंड डन सो। तो मेरे भी ख्याल में यही होता है कि अगर ये कोई चीज़ मुझसे कहती है, बड़ा रेयरली होगा कि शी विल हैव टू से इट रिपीटेडली, ये तो अक्सर ऐसी कह के चली भी जाएगी थिंकिंग मैं करूँगा नहीं, और मैं 15-20 मिनट बाद वो चीज़ करके इनके लिए ला रहा होता हूँ। क्योंकि जिब्रान इतने कभी कभार ही सो डिस्ट्रैक्टेड विद वर्क दैट आई फील लाइक इन्होंने सुनी भी नहीं होगी लिटरली, मैंने मेरा 90% कह के चली जाएगी। बट देखिए मैं एक बात बोलूं, यू हैव टू अप्रिशिएट, शी इज सो कूल एंड चिल कि उन्होंने उसको दिल पे नहीं लिया कि मेरी बात नहीं सुनी। नहीं ये दिल पे लेके मुंह ऑड ऑफ करके चली जाएगी कि इसने सुना भी नहीं, और मैं सरप्राइज कर रहा हूं आधे घंटे बाद, तारीफ कर रही थी। अच्छा ये हो रहा है, पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बहुत दफा इन्होंने मेरी बात मुझे रिपीट करनी होती है, आई एम लाइक आपको याद भी है, मतलब ही इज अगेन लाइक आई से ही हैज अ गुड मेमोरी बिकॉज ही विल रिमेंबर थिंग्स दैट आपने मुझे ये बताया था और आपने मुझे ये बताया था, एंड आई एम लाइक मुझे तो लग रहा था सुन भी नहीं रहे थे, बट दैट मींस ही वाज बोल दिया, ही वाज पेइंग अटेंशन। अच्छा थ्री थिंग थ्री वेज जो आपको ये सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं आपको एज अ पर्सन। एक तो मेरी एडवेंचरिज्म, मैं जिस तरह के काम के अंदर हूँ उसमें चाहते ना चाहते बहुत एडोकिज्म आ जाती है, एंड ड्यूरिंग आर रिलेशनशिप एंड आर फ्रेंडशिप रही है, ख़ास तौर पे जिस तरह मुल्क के हालात हैं उसमें एक्टिविज्म को लेके आ सकती है। तो उन फैसलों के अंदर साथ रहना वो मेरे ख्याल में एक बड़ी एम्पावरिंग चीज़ है। उसके अलावा मेरी पर्सनैलिटी को समझ के दरगुजर करना वो चीज़ें जो कि अब नौक्षस है मेरे बारे में, नॉट के आई हैव अ ग्रीन पास के जी जब भी अब नौक्षस होना चाहें आप कर लें, बट द फैक्ट दैट आई बिलीव दैट शी हैज़ गिवन मी दैट टाइम टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम अ कामर पर्सन, एंड दैट वाज ओनली मेड पॉसिबल बिकॉज शी हैड दैट मच ट्रस्ट इन मी कि ये बिगड़ा हुआ जो है ये ठीक हो जाएगा, ये इंसान हो जाएगा, इसको टेम करते हैं ऐसा ऐसा। तो आई विल ठहराव बहुत मुझ में आ गया, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, दैट्स हाउ शी सपोर्टेड मी, आई कुड हैव बिकम अ वर्स पर्सन। And I think the third way she supports me is that she likes to give me compliments every now and then, to because I believe when your partner does compliment you and you have a sense of security directly coming from your partner, वो बड़ा आपको empower करता है, एक आपको safe space में लेके जाता है। तो I think keeping up with my adventurism, वो ये बर्दाश्त करती हैं, मुझे बार बार reason करके एक calmer person बनाया है, एक काम सोल बनाया है, और कॉम्प्लीमेंट दे के ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है। वाह वाह नाइस, आई जस्ट लव द वे 1 2 3 इज डन, इतना अच्छा, यू नो याद करके आए थे आप।
मुझे इतनी अच्छी बात का वैसे मजाक उड़ा रही है। मैंने हूं भी ऐसे ही बोला कि आपको लगे वाकई में याद का क्या आया था, सोच क्या आया था मैं कि क्या, क्योंकि आपने इनसे सवाल किया था तो मुझे तवक्को थी, मुझे तवक्को थी, मेरा माइंड है कि इस वक्त चार चीजें को करके प्लान कर सकता है। मंशा ने कहा मैंने जरा ज्यादा, मैं मंशा को वो कह मुझे भी इतने ज्यादा अच्छे जवाब मिले, यू गिव वेरी गुड आंसर्स आल्सो माशाल्लाह, मैंने पास कर दिया आपको, डोंट वरी। नीचे ऑडियंस भी देखिएगा करेंगे। सो यू गाइस बिलीव दैट लव कंप्लीट्स यू, हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, जैसे आपने कहा था ना मंशा, जब मैं आपसे सेकेंड मैरिज की बात करी थी, दैट यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, विच इज माशाल्लाह सो ग्रेट, बट आई ऑल्सो फील कि लड़कियों को, हम जो हम लोग हैं उनको, लड़कियों को की परवरिश ही ऐसी होती है कि शादी उनकी थॉट का एक हिस्सा बन जाती है, लाइक यू नो शादियां हमारे मजे की भी तो होती है ना, द होल फन फेयर एंड डांस, द रीजन वी लाइक द वेडिंग इज बिकॉज ऑफ दैट, यू नो द डांस एंड द रंग मेला सारा, हमारा बड़ी कोई बड़ी शादी होगी, बट आई फील यू आल्सो वांट टू हैव अ कंपेनियनशिप एंड नॉट जस्ट बी, यू नो लाइक मैं ये कह रही हूं जिब्रान को वो शादियों की रौनक भी बड़ी पसंद है मुझे, मैं जरा नर्वस हो जाती हूँ, बट ये कि ही वाज वेरी एक्साइटेड कि हमारी बहुत बड़ी शादी होगी, लेकिन हमारी हुई बड़ी छोटी, बिकॉज इन लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, वो मेरे हिसाब की शादी थी, वरना इनको तो बहुत शौक है उस रौनक और हल्ला गुल्ला का। हाँ तो आपका सवाल क्या था? But what I was asking was that कि हम, क्योंकि हमने लड़कियों को परवरिश ऐसे की है कि शादी उनकी सोच का हिस्सा बन जाती है, एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स टू डिटरमिन के एज अ वुमन एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आप कामयाब हैं या नहीं, कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, यू नो आप कुछ भी कर लें, तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग किसी इंसान को ढूंढें कि वो हमें कंप्लीट करे या एम्पावर करे, हम लोग अपने साथ क्यों नहीं? देखें टू गो बैक टू व्हाट जिब्रान जस्ट सेड, आई थिंक कि बहुत सारे लोग इसलिए भी शादी को पसंद करते हैं कि उनको होता है कि रौनक मेला लगेगा, वो उस फंक्शन को लेके ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो उस चीज पे बहुत मेहनत करते हैं कि खाना कहाँ से आएगा, डेकोर कहाँ से आएगा, किस किस को घर में जोड़ा कौन सा पहना जाएगा और लोग कौन से बुलाएंगे और डांसेस कहाँ से होंगी, वेडिंग प्लानर कहाँ से होगा, लेकिन जो एक्चुअल मैरिज है कि हम हमारे रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ हम हाउ आर्ग्यूमेंट्स कैसे रिजॉल्व होंगी, फाइट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, अम्मी के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, मेरी अम्मी के साथ, मेरी यू नो आपकी अम्मी के साथ क्या यू नो रिलेशनशिप होगी, हम कैसे रहेंगे, हमारा वैल्यू सिस्टम मैच करता है या नहीं, यू नो उन चीज़ों को लेके आप बात तो छोड़ें, लोग सोचते भी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें ना छोड़ी भी होती हैं समवेयर अप इन द एयर, कि ये उनको परेशानी होती है कि जो शादी में 400 लोग आए ना उनका फीडबैक कैसा था, हाँ कि ये इस बारे में नहीं होता कि दो फैमिलीज का आपस में फीडबैक कैसा, हमारा फंक्शन अच्छा हो जाए, एंड क्वाइट फ्रैंकली वन डजंट लीड टू अनदर, आपने बहुत अच्छा इवेंट कर दिया, आपने बहुत रौनक मेला लगा दिया, लोगों ने खाने की बड़ी तारीफ की, लेकिन उसके बाद आता है डाउनर, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग इनटू रियल लाइफ व्हिच इज योर मैरिज, द एवरी डे, द एवरी डे कैन इज scary enough, because उसमें इतनी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कि अगर आपको वो रिजॉल्व करना नहीं आई तो यू आर डूम्ड, सो आई पर्सनली फील दैट द रीजन व्हाई आई लाइक इट इज बिकॉज आई एंजॉय दैट, मैं मुझे इतना नहीं होता, मतलब मुझे नहीं थी डिसअपॉइंटमेंट कि मेरा ये क्यों नहीं हुआ या मेरी बड़ी शादी क्यों नहीं हुई या मेरी स्पॉटलाइट या मेरी मेहंदी या मेरी डांसेस, मुझे वो सारी चीजें नर्वस करती हैं, I feel it like there's too much pressure कि you know सब मुझे देख रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी छोटी सी शादी हुई और बस हो गई और that was it. So you are more interested in the life afterwards. I am interested in spending time with this person. You know, I'm in love with the person. मुझे तो इस चीज़ की excitement होगी कि who I'm spending my time with. मैं आपके सवाल का अगर दूसरा aspect अगर समझूं कि देखें कि आपकी बात कहना कि हम खुद ही अपने लिए काफ़ी क्यों नहीं हैं, हमें एक साथी की ज़रूरत क्यों है, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आप मेरी तरह आफ्टर 33-34 शादी कर रहे हैं, इनकी भी वही उम्र है, हम कुछ महीने का फ़र्क है हमें, मैं कुछ महीने बढ़ाऊँ इनसे, तो आप यूज्ड हो जाते हैं अपनी स्पेस के और आपको लगता है कि आपको उस प्राइवेट स्पेस में 24 घंटे किसी को शरीक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जिससे तो जितनी भी मोहब्बत कर लें वो शुरू का पीरियड बड़ा अनोइंग होता है तो जितनी खुशी से हमने किसी से शादी की और जितना खुश हम किसी से शादी करके थे,
बड़ा अनोइंग भी टाइम था, एक कमरे के अंदर आपने इतना वक्त साथ गुजारना है। लुक फॉरवर्ड टू इट कि दिस पर्सन दैट यू आर रीडिंग विद, शुरू के अंदर आई थिंक आई क्वाइट फ्रैंकली अगेन आई विल बी ऑनेस्ट आई थिंक आई वाज बट फॉर हिम इट वाज अ ह्यूज एडजस्टमेंट बिकॉज़ ही इज आल्सो वेरी सेट इन हिज वेज। मतलब ये एक इंसान है जो हर चीज को अपने तरीके से, एक ये भी सॉल्यूशन है कि दो गली छोड़ के ही इनकी वालदा का घर है ना, तो जब ये मुझसे बोर हो गई शी कैन सिंपली से अच्छा मम्मी के यहां जा रही हूं मिलने के लिए। अच्छा और मैं तो हूं ही अम्मी के घर में, तो मैं कहा मैं कहां जाऊं, मैं तो इधर ही आप ही का इंतजार करूं कि आप आएंगे। हाँ तो एक होता है ना, देखिए एक सिंपली होता है कि आप एक रूटीन में सेट होते हो, बिकॉज इवन व्हेन यू आर डेटिंग एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आपने अपने दिन के कुछ मखसूस घंटे दूसरे को सर्व किए हैं और फिर आप वापस अपनी स्पेस में आ रहे हैं, तो शेयरिंग दैट प्राइवेट स्पेस वो थोड़ा एक पीरियड आपको साथ में चीज़ें अनॉय कर रही होती हैं, बट ये कि वन शुड वेरी इजिली बी एबल टू गेट ओवर दैट एंड देर इज अ लॉट ऑफ गुड बियॉन्ड दैट। मतलब बहुत छोटी चीजें होती हैं। आई वांटेड टू फोकस ऑन व्हाट इज देयर टू गेन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, जैसे कि वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम जो होता है ना टीवी का, मन जाने का मैं भी बताती हूं। ऐसे वॉल्यूम पे जो मतलब आई एम नॉट एन इजी पर्सन दैट वे टू एडजस्ट, तो उसमें मैं उनको बोलूंगी कि जहां ना आप क्या हो गया है वॉल्यूम ही कम कर दें, तो वो ये शुरू की एडजस्टमेंट्स होती है ना कि मतलब इन चीजों के बाद स्मॉल चीज है ना, मर्जी तो नहीं चला सकता। मतलब कि देखिए आपने पंखा चला के सोना है तो तेज या कम सोना है, कमरे में लाइट कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, चीजें कहाँ पड़ी है। अब अगर आप मेसी इंसान है तो आप अपने मेस में ही आपको अपना ऑर्डर मिलता है और आपको मखसूस नहीं कि आपको ऑर्डर अच्छा लगे। मैं उस तरीके से थोड़ा सा एक मैसी इंसान कह सकते हैं आप चीज़ों को लेके, बट ये कि ये चीज़ें थोड़ी होती हैं जो आई थिंक हर कपल इससे गुजरता है, बट ये जो है ना कि आप अपने अंदर एक मुकम्मल शख्सियत हैं और उस स्पेस की अगर आप बात करें जो बिल्कुल आपके अंदर है, वो मेरे ख्याल में बहुत ही फिर एक सेल्फ एब्जॉर्ब थॉट है कि इसका तो मतलब है आप किसी के साथ ए शेयर कुछ नहीं करना चाहते और बी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी के सामने वल्नरेबल होना अफोर्ड नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में मेरे साथ ज़ाती तौर पे पर्सनली ये भी एक बहुत बड़ा इमोशनल हिंड्रेंस था, दैट आई एम नॉट ऑलवेज विलिंग टू मेक माई सेल्फ इमोशनली वनरेबल एंड एक्सपोज माई सेल्फ इमोशनली टू अनदर पर्सन, और वो टाइम वो ट्रस्ट बिल्डिंग हमें साथ में लगा है, बट वंस यू आर एबल टू गेट दैट वो फिर स्पेस इतनी कंफर्टेबल होती है दैट यू लव बींग इन दैट मैरिज एंड हैविंग समबडी इन दैट रिलेशनशिप वेयर यू कुड बी योरसेल्फ कंप्लीटली 24 आवर्स। आपको पेशेंस भी दिखानी होती है आई थिंक फ्रॉम बोथ साइड्स यू हैव टू, आई थिंक दैट इनिशियल पीरियड मुझे तो यही लगता है कि इवन दो वी वर इन अ रिलेशनशिप एंड वी वर एंगेज, शादी के बाद इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। हाँ इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज हाँ आप किसी के साथ 24 आवर्स गुजार रहे हैं तो उनकी भी हर एक होता है ना कि आपको तस्वीर दूर से अच्छी लगती है लेकिन आप पिक्सल्स में जब जाते हैं ना तो आपको हर ऐब नजर आ रहा होता है, आपको हर छोटी रियलिस्टिक पिक्चर नजर आती है। हाँ तो फिर उसमें आपने कैसे यू नो गुजारा करना है और किस चीज को दरगुजर करना है वो भी एक यू नो इट्स अ लर्निंग कर्व। ये आप लोगों ने अच्छा पॉइंट बताया है कि लव इनेबल्स यू टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। आई थिंक आई पिक बट आई डू आई विल जस्ट ऐड दिस दैट आई डोंट थिंक एवरी लव इज अ रोमांटिक लव in your story. I have seen so many women who are single mothers and you know they don't want to get married again and they're happy with their children, with their life, with their career and you know unko ye nahi hota ki bhai hum dusri shaadi kare, matlab har dekhen har banda alag hota hai and there are many different kinds of love and what love fulfills you is different from what fulfills somebody else. Like I'm you know my mother you know she was very fulfilled after my father passed away, she was very fulfilled with us and her travels and you know all her whatever she does and how she keeps herself busy social work wagera, to unko kabhi wo zarurat nahi padi, to har kahani mein sirf ek romantic angle zaruri nahi hai, whatever makes one person happy I think whatever you, aap jis cheez mein bhi sukoon paaye ya khush hai wo cheez aapke liye best hoti hai. आप दोनों दो यू वर इन लव विद ईच अदर, बट शादी का डिसीजन लेना आपस में एक दूसरे के लिए, और जनरली भी मैं पूछूं क्या लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड अबाउट गेटिंग मैरिड, कि हम इनसे मोहब्बत में हैं तो हम शादी कर लेते हैं, या देवर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू गाइज डिड कंसिडर कि हाँ हमारा थॉट प्रोसेस एक जैसा है। तो बहुत होती है इंसान को प्रॉब्ली। सो व्हाट वुड यू से कि दो तीन चीजें जो देखनी चाहिए आपकी लव की डेफिनेशन में आ क्या रहा है? सिर्फ सामने वाले का अच्छा लगना तो वो लव नहीं कहलाता, वो तो सिर्फ लस्ट ही कहलाएगा बिकॉज वो एक फिजिकल इंट्रैक्शन है। ठीक है, और मेरे ख्याल में लस्ट जो है वो लव का एक बहुत असेंशियल कंपोनेंट है, उसको हमें डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। आप चूँकि प्यार तो बहन भाइयों में, माँ बाप में भी, आपस में बच्चों में भी होता है, फैमिली में भी होता है, तो डेफिनेटली देर हैज़ टू बी एन अट्रैक्शन एलिमेंट जो कि अपनी जगह पर है, बट उससे ज़्यादा यही जो मैंने आपसे बात की ना कि आप सामने के आपका जो होता है ना वो चीज़ी सेंस ऑफ ह्यूमर,
आपकी जो वो ऐसी बातें होती हैं कि व्हेन यू रियलाइज के अब मुझे सामने वाले को बार बार बनावटी बन के इम्प्रेस नहीं करना, आई कैन लेट माई सेल्फ गो, बट लेट माई सेल्फ गो का यह मतलब नहीं कि सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले लें, बट आई कैन बी माई सेल्फ एंड दैट पर्सन एंजॉयज माई कंपनी एंड लाइक्स मी फॉर हु आई एम एंड चेरिशिज मी फॉर दैट. तो वो जब आपके पास एक एस्पेक्ट हो तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपको लगता है कि हाँ यार शादी तो इसी इंसान से करनी चाहिए. सिर्फ उनसे इस इंसान से तो नहीं की जा सकती कि जो आपको एकदम से महफिल में आया और वाह क्या सब ने मुड़ कर देखा क्या हसीन शख्स है, क्योंकि दूर से तो हर चीज़ ही आपको खूबसूरत लगती है. ये मिजाज का मिलना आपस में, ये जहन का मिलना आपस में, ये सोच का मिलना, इखलाकी समाजी कदरों का कहीं ना कहीं मिलना, परफेक्ट मैच तो नहीं होगा, बट ये भी देखना चाहिए कि कोई बड़े क्लैशेस ना हों. कुछ चीज़ें आपको पहले से ही तय करनी चाहिए कि क्या चीज़ें जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ताकि आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें. अगेन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की वो गेट मैरिड इन देयर अर्ली थर्टीज़ और मिड थर्टीज़ लाइक वी डू. ज़्यादातर नौजवान हमारे जो हैं उनके तो ये फैसले कॉलेज अट्रैक्शन की वजह से हो जाते हैं या वालदैन की फौरी रजामंदी से या अरेंज मैरिज की वजह से भी हो जाते हैं. तो बट मेरे ख्याल में हम इतने तजुर्बेकार हो गए थे कि हमें इन चीज़ों का एहसास था. What to look for and what not to look for. वो भी हमारी सिचुएशन में ये चीजें काउंट करती हैं. अगेन मुझे लगता है हर इंसान ना अलग, उसकी क्राइटेरिया अलग होती है. बहुत बहुत लोग, हाँ बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई उनका खानदान हमारे खानदान से मैच हो या हमसे ऊपर हो या ये हो या लड़के की जॉब ऐसी वाली होनी चाहिए. तो अगर आप वो, अगर समझे मैंने वो क्राइटेरिया रखा होता या इन्होंने वो क्राइटेरिया रखा होता कि एक्ट्रेस से तो नहीं करूँगा, जो कि बहुत लोग ऐसे शायद करेंगे भी, करते भी होंगे, या मैंने किया होता कि भाई जो है इनका जो काम है उसके साथ. तो वो आई थिंक द मेजर थिंग इज दैट वी चूज ईच अदर एज पीपल फर्स्ट, बट दैट्स बिकॉज हम ऐसे हैं. पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं. कुछ लड़कियां होंगे या कुछ लड़के होंगे जिनको अलग स्टैंडर्ड होगा, जिनको होगा हमें ये चीज़ मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी. तो वो फिर हर बंदा अपने हिसाब से फिर चूज करता है. हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हमारी शायद, और इसमें देखिए ये भी टू बी फेयर, ज़रूरी नहीं कि दो अच्छे लोग जो हैं उनकी शादी भी अच्छी चल रही हो, और ज़रूरी नहीं कि अगर शादी बुरी चल रही है तो उनमें से कोई एक बुरा है. अच्छे लोग, अच्छे दोस्त बड़े आराम से हो सकते हैं. अच्छे मियाँ बीवी होना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. कहीं ना कहीं हम लकी भी हैं कि कुछ सी चीज़ें कॉन्सिडेंटली मैच की है ना. हमारी फैमिलीज का आपस में किसी को मैच कर जाना, मुझे इनके मेरा इनके ख़ानदान को पसंद आ जाना, इनके ख़ानदान का मुझे पसंद आ जाना, एंड द सेम गोज़ विद माय फैमिली. तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिडेंटल कॉन्सिडेंस थी जो हमारे इतराफ़ की चीज़ें हैं, ओवरलैप कर गई. हर कोई इतना लकी भी नहीं होता, बट हाँ बात तो इतनी सी हो रही है भाई कि आप अपने लिए ही फैसला करें कि आप शादी कर रहे हैं, और अगर खुदा ना खासा साथ नहीं रहना चाहते ये फैसला भी अपने ही लिए करें और सामने वाले के लिए, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. और बाकी भी ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे किसको क्या पता कि आपके लिए क्या भलाई लिखी है आगे. तो इसलिए अगर किसी का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छे की उम्मीद रखे. बीइंग अ वुमन, हमेशा रिलेशनशिप में या शादियों में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे, औरत ही कुर्बानी दे. आप कैसे देखती हैं कमिटमेंट को या एडजस्टमेंट के वर्ड को शादी में? क्या आपको प्रेशर फील हो रहा था कि हाँ मुझे ही ज़्यादा करना है? आपका अपना क्या पर्सनल इस पे टेक है? हाउ डू यू लुक एट दिस? जैसे मुझे लगता है कोई भी गाड़ी हो उसके ऐसे तो नहीं हो सकता कि आगे के दो पहिए चल रहे हो, पीछे के चल नहीं रहे तो गाड़ी चलेगी. ये वो वाली हाँ होती है ना, उसको टो करना कहते हैं. पीछे के दो चल रहे होते हैं, आगे के दो नहीं चल रहे. तो फिर किसी और को आके चलाना पड़ता है, कोई फिर तीसरा टो कर रहा होता है ना. हाँ तो फिर वही होगा, फिर वो कोई तीसरा आके आपकी शादी चलाएगा. हमारे साथ यही होता है, बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ हैं, अम्मी अब्बू कह रहे हैं इसलिए साथ हैं, लोग क्या कहेंगे इसलिए साथ हैं. बहुत सारे रिलेशनशिप हमारे यहाँ टो कर रहा है कोई, वो खुद चारों पहिए साथ नहीं चल रहे, जो कि कभी कभार गुड एनर्जी, गुड एग्जांपल, जो कि कभी कभार आई कैन अंडरस्टैंड कि इन सर्टेन मोमेंट्स आपके हों कि आपने कहा कि भाई यू नो, ऐसे भी पीरियड्स आते हैं, मुश्किल पीरियड्स भी आते हैं जिसमें द ओनली थिंग कीपिंग यू टुगेदर इज द किड्स. ठीक है, कि आपकी उस वक्त इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं या किसी की जॉब छूट गई, इतनी परेशानियाँ आ गई कि आपने उस वक्त, आप यू नो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू कैन बी लाइक बस क्या कर, बच्चे हैं इसलिए यू नो. पर वो पीरियड होना चाहिए, वो एक वक्त होना चाहिए, और वो एक बुरा वक्त है जिसमें आपकी शायद ये दिमाग में आई सोच और वो निकल गया. एंड बट एक्चुअली यू वांट टू बी विद द पर्सन. ये ना हो कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली ब्रोकन है और आप जो है उसको बस कोई और चीज़ चलाई रही है. सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कमिटमेंट, आई ट्रूली बिलीव कि इट टेक्स टू मेक इट वर्क.
तो मेरी उनसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हर दफ़ा तो ये नहीं होगा। अच्छा हाँ, इनकी जो एक बात मुझे अच्छी लगी, जो मैं कह सकती हूँ कि ये एक चीज़ है कि मैंने आई वॉज़ हैप्पी टू फाइंड दैट कि मैं शुरू में बड़ी हेजिटेंट थी टू शो माई एंगर, क्योंकि जिब्रान अर्लियर ऑन वो थोड़े से थे गुस्से के तेज़, तो मुझे ये था कि एक इंसान गुस्से का तेज़ है, मैं मेरा भी गुस्सा है, पर मैं उसको काफ़ी दफ़ा पी जाती थी इस चक्कर में कि फिर यू नो बात और ना भर जाए हाउ इज़ ही गोइंग टू रिएक्ट व्हेन आई गेट एंग्री। बट अल्लाह का शुक्र है कि एक दो दफ़ा फिर मेरा भी वो मीटर घूम गया, तो मैंने भी कहा कि अब मैं भी यू नो इट्स माय टर्न। अल्लाह का शुक्र है मीटर घूम गया। अल्लाह का शुक्र है, हाँ, क्योंकि वो अच्छी अल्लाह का शुक्र है मेरे रिएक्शन के ऊपर, आपके मीटर घूमने पे नहीं। हाँ, बात पे कबूल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र ये है कि व्हेन आई यू नो इट वाज माय टर्न टू गेट एंग्री या यू नो इट वाज माय टर्न टू लाइक इवेंट, तो ऐसा नहीं था कि वो भी you know he's like he lets you have the spotlight. I'm like finally finally shukar hai bhai aap khuli nikaliye apna gussa izhar kijiye bharpoor tarah par ye nahi hua na ki wo bhi main bhi cheez rahi hu wo bhi aisa nahi tha then he would be quiet wo to do shuru mein to I think I actually even find it amusing at times because when she gets angry she gets so angry that main piche baith jata hu I'm like forget what's the fight I'm just enjoying this expression right now oh maza aata hai bharpoor aur kitni annoying hoti hogi na ye baat कि वो बंदा आपको सीरियसली आप सीरियसली नहीं ऐसा नहीं दैट आई एम लाइक आई एम मेकिंग फन ऑफ इट नॉट दैट आई एम मेकिंग फन ऑफ इट बट आई एम लाइक ओह वाओ लाइक नहीं कभी-कभी ऐसा भी होगा इट्स अ टाइम नाउ नहीं कभी-कभी ऐसा भी होगा कि बैक ऑफ होंगे कि आप ये गलत अच्छा मुझे लगता है आपको बहुत दिन से गुस्सा नहीं आया अब आप ऐसे ही ढूंढ रही हैं कुछ हां ये भी होता है अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है टिपिकल लाइन है कभी-कभी यहां माइनस हो गया आपके हो जाए बट कभी-कभी मेरा ये भी है कि देखिए मैं तो बहुत ही हर वक्त ही शॉर्ट टेंपर्ड रहता हूं बट इनका फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इन चीजों पे गुस्सा आ रहा है कुछ पे नहीं आ रहा ना तो एट टाइम्स आई एम लाइक कि उनसे आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो यू आर नॉट फाइंडिंग एन आउटलेट एंड द थिंग यू पिक्ड ऑन इज अ वेरी वीक ग्राउंड सो उसको और जरा पकाओ फाइंड समथिंग बेटर टू गेट एंग्री ऑन अब देख मैं कह रही हूं नहीं मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है व्हाई डू एंड देन आई विल गो इनटू द थ्योरी कि जस्ट बिकॉज़ इट डजंट मीन एनीथिंग टू यू डजंट मीन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू मी हु आर यू टू टेल मी व्हेदर इट इज और इजंट दिस इज माय थिंग इट्स माय मोमेंट आई एम फाइंडिंग इट ही इज एक्चुअली मेकिंग यू गो थ्रू दैट थिंग लाइक इफ आई एम मैड अबाउट इट इज सीरियस इनफ आप इस पर एक्टिवली वर्क करते हैं कि हमें ऐसे चलाना है या ऐसे करना है मोमेंट्स होते हैं व्हेन यू हैव दोस कन्वर्सेशंस के अगर यू नो you want ke ab the other person should react in a certain way but mostly cheeze fir khud ba khud yaar ek hota hai ki you know couples to justify to themselves find excuses for their partners ki nahi bura nahi hai aisa hi hai and that is also at times element of a relationship you're trapped in jo toxic hota hai aur ek healthy view bhi hota hai yaar this is how he is or she is they're going to react they're going to be do teen hawai fire honge wo thandi hoke baith jayegi relax ho jayegi saath aage baith jayegi ये अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि चलो एक बंदे का फेज़ होता है एक है कि एक बंदे का मुस्तकिल ही नेगेटिव फेज़ है और आप जिस तरह मायने बापों के पास जाके नहीं नहीं लड़का तो बड़ा अच्छा है बस थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर है वो बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करने के लिए हम जो फिल्मों में इश्तहारों में भी देखते हैं ना माएँ कवर कर रही हैं वो ठीक है अब माँ क्या करेगी बेटा है मजबूरी है वो कवर कर रही है उसके लिए बट ये एक एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढने चाहिए एक दूसरे से वाकिफ़ होना चाहिए आपको कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली अभी ये हुआ है तो ये रिएक्शन आएगा एंड दिस इज़ रीकन्फर्मेशन कि आई रियली नो हर एंड इट इज़ रीअफर्मेशन फॉर हर दैट शी नोज मी एंड दैट इज आल्सो वेरी कंफर्टिंग लास्ट पॉइंट वन पॉजिटिव थिंग दैट यू गाइज वुड लाइक टू टेल द न्यू जनरेशन जो कमिटमेंट और शादी में इतना अब ट्रस्ट नहीं करती है दे आर लूजिंग बिलीफ ट्रस्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उनको कोई एक बात कहना चाहेंगे आप? नहीं मेरा ख्याल में तो वापस नहीं रेट्रो नहीं हो गए लोग काफी दोबारा से शादी कल्चर आ गया है अर्ली मैरिजेस आ गई दोबारा से मैं तो जितना दैट्स अ न्यू फैड आई बिलीव दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड दे आर स्केयर्ड ऑफ अच्छा दोनों है आई थिंक इन द न्यूएस्ट जनरेशन देयर आर अ लॉट हु आर आल्सो वांट कि जल्दी शादी हो जाए क्योंकि अगर वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या वो यू नो तो दे डोंट वांट दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो दे वांट कि हम दोनों साथ ही अम्मी अब्बू हमें भेजे हमारी पढ़ाई भी वहाँ हो हम जॉब्स भी करें सो आई नो यू नो पीपल हु यू नो वर 20-21 एंड देव बिन मैरिड फॉर लाइक अब जाके उनकी मतलब 2021 में शादी हो गई एंड बाई 25 देव बिन मैरिड
for longer than I've been married. I mean, the people who are disillusioned, whether they are younger or, you know, older. They're later in their life at any time, I feel as a, मैं तो एक औरत होने के ही नाते ये एडवाइस दूंगी कि किसी चीज़ को ना किसी चीज़ की ज़िद नहीं होनी चाहिए आपको. कि बहुत दफ़ा हम ना एक ज़िद भी रख लेते हैं कि बेशक ये चीज़ मुझे जितना भी दुख दे रही हो या कितनी भी ज़िल्लत हो या जो भी मुझे बर्दाश्त करनी हो इस रिलेशनशिप में, ये ज़िद होती है कि यू नो ये मैं नहीं कर सकती कि मैं शादी यू नो से वॉक अवे करूँ. मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी अपने आप से मोहब्बत, जो जिससे आई थिंक ये जिब्रान भी एग्री करेंगे. तो देस यू नो हम हर चीज़ को हम यू नो हर चीज़ में कभी भी गिव अप नहीं करते. आपकी एक जॉब छूटती है आप दूसरी जॉब ढूंढते हैं और आप ये नहीं कहते कि बस यही करनी है ज़िंदगी भर. मैं ये नहीं कह रही कि बंदा शादी से शादी करे, बट मैं ये कह रही हूँ कि इट शुडंट बी समथिंग दैट यू जस्ट राइट ऑफ. बट अगेन everybody is different, so it's not one of those things. There are a lot of people who will just say ki bhai hume nahi karni hai. To har bande ki apni marzi, har bande ki ek apni jaldi. Mere khayal mein to ab ye again kuch log so shaadi ka naam de, kuch log jo dusre maashre mein iska aur naam de. Bunyadi cheez to companionship hai aur uski zarurat har ek ko padegi. Zindagi ka koi na koi lamha ya koi phase aayega jab aapko ehsaas hona shuru hoga loneliness ka. कुछ लोगों की जैसे मैंने पहले जिक्र किया वो लोनलीनेस औलाद से हो जाती है कि दे बीन थ्रू अ मैरिज एंड दे हैव अ चाइल्ड एंड दे फाइंड इट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप. तो वही कोई अपना कोई कांस्टेंट होना चाहिए. और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है तो मैं उसमें एक ईजीएस्ट रेफरेंस देता हूँ समझने के लिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नज़ूल हुआ नबूवत का, वो ज़ाहिर की गई कि आप नबी मुंतखब हो गए हैं और जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और अल्लाह हज़रत जुबैल के ज़रिए हम कलाम हुआ. मगर वो जो रिक्कत उनके ऊपर तारी हुई उसके ऊपर सबसे पहले घर जाके जिसकी उनको तलाश थी वो उनकी बेगम थी बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने उनको उस वक्त काम डाउन किया. वो कंपेनियनशिप की तलाश में घर गए वापस अल्लाह ताला को मिलने के बाद. और हम जिसकी शख्सियत की बात कर रहे हैं वो सबसे मुकम्मल शख्सियत तसव्वुर है हमारे दीन और शरीयत के लिहाज से. तो वो किसी भी किस्म का बर्डन हो सकता है, वो किसी किस्म का भी चैलेंज हो सकता है, वो किसी किस्म की भी एक एम्पावरिंग स्टेट हो सकती है. कंपेनियनशिप का एक बहुत अहम कहते हैं जुज है ज़िंदगी का, इसके बगैर मेरे ख्याल में ज़िंदगी नामुकम्मल है. तो आपकी ज़िंदगी में लोग होने चाहिए. अब वो किस रिश्ते के तहत आपसे बंधे हुए हैं वो हर कोई अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकता है. थैंक यू सो मच, सच लवली कॉन्वर्सेशन दैट यू गाइस हैड टुडे विद अस. आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो इस तरह की कुछ मेरे का कुछ पॉलिटिक्स से हम दूर और एक्टिंग से भी दूर होके बात करेंगे कुछ जी. आप लोगों की हम करते भी नहीं है ना. वी वर हैविंग दिस डिस्कशन दैट दिस इज टुगेदर बोथ ऑफ अस सेकंड सिंस वी हैव बीन टुगेदर वेयर यू गाइस आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ईच अदर एंड बेसिकली नहीं अदरवाइज आल्सो हमारा काम मतलब वैसे ही हमारा सेकंड है. पर यूजुअली जब हम साथ इंटरव्यू देंगे तो हमारी शादी से ही रिलेटेड होगा. नॉट द सेकंड टाइम वी आर डिस्कसिंग अ मैरिज विद ईच अदर, वो तो हम रोज डिस्कस करते हैं. वो तो एक हां बट ये के विद ऐसे बोला ना हाँ ये तो हर दिन की बात है जैसे की हमने बड़ा किया हो जैसे. मैं तो बड़ी आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज इनका कि ही सेड यस आई वाज आल्सो प्रेजेंट. और बहुत से दोस्त हमारे ये इंटरव्यू देखने के बाद नाराज हो जाएंगे कि हमने तो 2 साल पहले कहा था, हमने तो 3 साल पहले कहा था, हमें क्यों नहीं दिया गया ये मौका. वो आप लोग खुद निपट लेंगे. वो हम निपट लेंगे. बट शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का. थैंक यू जी आप निकाल के आए बुलाने का और बहुत ही शेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए. यूज किया है, इस्तेमाल किया है, ज़ेर शेर हासिल गुफ्तगू करना कि मतलब कि एक एमलेस गुफ्तगू नहीं हुई है. जिस तरीके से आपने सवालों को तरतीब दिया और शेप दिया कन्वर्सेशन को, वी वर एबल टू कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली बिकॉज़ ऑफ हाउ यू लेड द कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. मैंने बस शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था मैं फनी बातें नहीं कर सकती. मेरा सीरियस फोर्टे है, मैं सीरियस बातें ही कर सकती हूँ. और मुझे जो टॉपिक्स विच आर क्लोज टू माई हार्ट विच आई फील कुछ कंट्रीब्यूट भी तो करें ना जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो कुछ मजे की बातें करके कुछ उनको थॉट दें. आई होप कि कुछ कंस्ट्रक्टिव था. आई थिंक आज हमने बहुत अच्छी मुझे तो मैंने आई पिक्ड अप लाइक फॉर एग्जांपल दैट पॉइंट अबाउट दैट इन अ रिलेशनशिप यू शुड बी कंफर्टेबल टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. मैंने तो आज सबसे इंपॉर्टेंट ये जिब्रान की लाइन थी
अब मंशा ये मत बोलिएगा कि मेरे से भी एक लाइन उठाओ मैं याद करके I'll let him, actually ये बोलते अच्छा है ना तो उनकी मैं वही बात अगर बोलूंगी तो उसमें वो फील नहीं आती मेरी बातों में वो फील नहीं आएगी जो आपकी बातों में याद आएगी क्योंकि ये वर्ड ऐसा जबरदस्त यूज करेंगे इंसान को लेकर हाय क्या ये तो ऐसी तो नहीं राजी हो गई शादी के लिए तो ये है कि चलिए ठीक है अब ये बाकी सीक्रेट्स हम पार्ट टू में किसी और बैठ के करेंगे विल डाइव डीपर इनटू किस तरह पटाया था जुमराने जो अभी तो ये निकल गए साइड से बट थैंक यू सो मच गाइस एंड माशाल्लाह माशाल्लाह सल्लाह आप लोगों को एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रखें आफियत और खैर के साथ एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू शुक्रिया